मुल्क भर में डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल, कराची में 10 से ज्यादा अफराद जिंदगियां गवा बैठे, रावलपिंडी में भी डेंगू के वार जारी, कई जाने निगल गया। मोटापे के शिकार अफराद पर तंज करना भी वजन में इजाफे का बायस, बरतानिया के नफसियाती माहिरीन की तहकीक में इंकशाफ, बताया तनकीद की वजह से मोटे अफराद में एतमाद और कुव्वत का फुकदान हो जाता है। मैदे के अमराज में इस्तेमाल होने वाली दवा कैंसर का बायस बनने लगी, पाकिस्तान में जेंटिक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई, दवा में कैंसर की वजह बनने वाला केमिकल पाया गया, अमरीकी इदारे FDA का इंकशाफ। कश्मीरियों से यकजहती के इजहार का तरीका, कराची के कम उम्र गुलूकार हम्माद अली ने कश्मीरियों के लिए गाना तैयार किया, हम्माद कुछ देर बाद नया दिन में ही आवाज का जादू जगाएंगे। खत्म हुआ इंतजार, अब आएगी चौकों छक्कों की बहार, पाकिस्तान और श्रीलंका की वनडे सीरीज का आज से आगाज, पहला मार्का नेशनल स्टेडियम में सजेगा, स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल, ट्रॉफी की रुनुमाई, दोनों कप्तान फतह के लिए पुरअज़्म। चलो उन मंजरों के साथ चलते हैं जहां पर चांद तारों को लिए मट्टी में उतरा है, हसीन नजारों और कुदरती हुस्न से मालामाल वादियों की सैर का दिन, दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है सियाहत का दिन, पाकिस्तान के सियाहती मकामात भी अपनी मिसाल आप। नया दिन में कहेंगे खुशामदीद, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं जनाब किरण आफताब, और हम करेंगे आज सबसे पहले कश्मीर की बात और कश्मीर के सबसे बड़े सफीर की बात। सबसे पहले जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की, हमारी टॉप स्टोरीज में सबसे पहले उनका टॉप स्टेटमेंट, टॉप पर उनका स्टेटमेंट ही है। उन्होंने अमेरिका में कश्मीर का मुकदमा लड़ा है, खूब लड़ा है और आज भी लड़ेंगे, एशिया सोसाइटी की तकरीब से खिताब का मौका था, ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि कश्मीर के हालात बेहद ख़राब हैं, अक़वाम-ए-मुत्तहिदा को लाजमी इस सिलसिले में कुछ तो करना होगा, भारत ने 9 लाख आर्मी दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए तैनात नहीं कर रखी वहां। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान आज जनरल असेंबली के इजलास से भी खिताब करेंगे, जो उन्होंने कल अहम स्टेटमेंट दी थी उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे कि जिनको टच नहीं किया था, उस पर तफसील से बात की थी, और उसमें कश्मीर इंसानी हकूक को वहाँ पर सल्ब किया जाना, और इस सब के साथ साथ उन्होंने गरीब ममालिक की बात की कि मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से किस तरह से वहाँ पर हालात मुतासर होते हैं, एक गरीब मुतासर होता है। उन्होंने कहा कि छोटे ममालिक से करप्शन की रकम बड़े और ताकतवर ममालिक में चली जाती है और इसके बाद वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुर्बत रह जाती है, तो आलमी पैमाने पर इस सिलसिले में काम करने की ज़रूरत है। इंसानी हकूक जहाँ जहाँ सल्ब किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर कश्मीर में, यहाँ पर भी ऐसी कंफ्यूज स्टेट नहीं होनी चाहिए, अपने बिजनेस को, अपनी इकॉनमी को प्रायोरिटी देकर इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आंख नहीं चुराई जानी चाहिए, और इस सब में जैसे जैसे अक़वाम आलम को वो जगाने की कोशिश कर रहे हैं, इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के किरदार को सराहा भी जा रहा है। आज मुख्तलिफ़ अखबारात में मुख्तलिफ़ न्यूज़ चैनल्स ने उनके काम को, उनकी खिताब को सराहा है और ये कहा है कि पाकिस्तान की पोजीशन को वाज़े करने में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यानी मौजूदा हुकूमत यानी कि इमरान खान का बहुत बड़ा हाथ है। इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म बने, जाहिर है बहुत से चैलेंजेस का सामना था पाकिस्तान को, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज इकॉनमी और सिक्योरिटी और इसी तरह दीगर चैलेंजेस हमने देखा। जाहिर है इकॉनमी इज़ अ बिग टास्क, उस पर काम हो रहा है, बट अगर सिक्योरिटी सिचुएशन देखी जाए उस पर भी हमने देखा काफ़ी हद तक काबू पाया गया, जो चैलेंजेस थे उनसे निपटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें कि जब इमरान खान ने कहा, बल्कि बार बार कहा, मैं कश्मीर का मुकदमा लड़ूंगा, मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा, मैं जहाँ जाऊँगा मैं कश्मीर की बात करूँगा, और इमरान खान ने ऐसा ही किया। आज
उन्होंने कश्मीर की बात करने, मकबूजा वादी की बात करने, और ऐसे में हम देखते हैं कि कौन फेल हुआ, तो भारत फेल हुआ, मोदी फेल हुआ, जिसकी कोशिश थी पाकिस्तान को तन्हा करना, जिसकी कोशिश थी कि पाकिस्तान की बात ना हो, कश्मीर की बात ना हो, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया आज किसकी बात कर रहा है, इमरान खान की बात कर रहा है, पाकिस्तान की बात कर रहा है, कश्मीर की बात कर रहा है, किसकी बात नहीं हो रही, तो मोदी की बात नहीं हो रही, तो मोदी गुजरात का कसाई फेल हुआ। कैसे मिल रहा है ये मौका, उसको नहीं मिलना चाहिए शुएब, ये मौका बिल्कुल उसको नहीं मिलना चाहिए। और अब जब ये मौका है ना कि कश्मीर की बात को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, तो इसके लिए हम मुख्तलिफ फोरम्स में देख रहे हैं बहुत मुख्तलिफ और बहुत मौसर अंदाज में आवाज़ उठाई जा रही है, बात की जा रही है। मैं टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क के मनाजिर दिखाना चाहती हूँ। यहाँ ब्रांड्स होती हैं, यहाँ प्रमोशंस होती हैं, यहाँ पर सेलिब्रेशंस होती हैं, यहाँ पर न्यू ईयर मनाया जाता है, यहाँ पर लोगों के इकट्ठा होते हैं, ये आइकॉनिक मकाम है यहाँ पर। ये आपने मूवीज में भी देखा होगा, खबरों में भी देखा होगा, सियाहती साइट्स पर भी देखा होगा, इसकी अहमियत है और इसके बहुत सारे हवाले हैं। लेकिन अब यह हवाला बना है कश्मीर पर होने वाले मजालिम का, अब यह हवाला बना है इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ संगीन की जा रही हैं भारतीय गुंडों की तरफ से मकबूजा वादी में, यहाँ पर भी प्रोटेस्ट का एहतमाम किया गया है और यहाँ पर एक आवाज़ होकर एक ही नारा लगाया जा रहा है कि जो कर्फ्यू है उसको कितना टाइम गुजर चुका है। एग्जैक्टली जब 52 दिन मुकम्मल हो गए तो ये एहतजाज उस वक्त हुआ यहाँ पर, और उसके मनाजिर आपको हम दिखा भी रहे हैं। एक रिपोर्ट तैयार की है हमने जो कश्मीर की सिचुएशन है और जो आलमी सतह पर उससे मुतालिक आवाज़ उठाई जा रही है, यानी मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है उससे मुतालिक। समक ने सवाल भी किया था भारत के वजीर खारजा जय शंकर से, लेकिन जय शंकर ने किरण जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। वो हमेशा की तरह कोशिश करते हैं कि वो एक मुस्कुराहट चेहरे पे रखें, लिल्लाई बैर हो रहा हो भले उससे किसी को भी तो वो मुस्कुराहट भी काम नहीं आई उनको, वो जिस तरह दुम दबा के भागे हैं ना वो सबने देखा है। तो जनाब ये तो हुआ ही, और इसके अलावा अब इसके ऊपर दो तरह की राय आ रही है। एक, जब इसकी तारीख का, इस अहम इजलास की तारीख का ऐलान होगा तब क्या होगा, तब भारत किस तरह से लॉबिंग करेगा और सार्क ममालिक को पीछे लेने की और इसमें शिरकत ना करने की कोशिश करेगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए एक बड़े इम्तिहान के बाद दूसरा इम्तिहान है। आज इन्होंने हामी भरी है, वो अपनी बात पर कायम रहें, इसके लिए हमें अगली तारीखों तक, अगले इजलास तक पूरा इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, इंतजार नहीं करना उस तैयारी। बिल्कुल किरण, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अमेरिका से सदर पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर मुबशिर चौधरी साहब ने। सर वेलकम टू नया दिन। सर आज कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ा एहतजाज होने वाला है, क्या इंतजाम देखने में आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ आप शेयर करें समा के नाजरीन से। देखें, जो अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी है, कम से कम एक बहुत ही मोहतात अंदाज़े के तहत ये तसव्वुर किया जा सकता है कि ये मिनिमम $1 मिलियन का ख़र्चा है, इससे कम नहीं हो सकता, ज़्यादा ज़रूर हो सकता है। अच्छा ये फरमाइएगा, आप अमेरिका में लॉबिंग करते आए, देखने में आया भारतीय लॉबिंग बहुत मजबूत है, वो बहुत सर तोड़ कोशिश करते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस रहे, पाकिस्तानी मौकफ और आवाज़ घर घर पहुंचाने में कितना वक्त लगेगा, कितनी मौसर लॉबिंग आपको करनी होगी? अब देखें, आज अगर उस लेवल का काम किया जाए जिस लेवल का इंडियंस एस्टेब्लिश कर चुके हैं अपने लिए इस कंट्री के अंदर, तो उसको पाए तकमील तक पहुँची कम से कम 5 साल का अरसा दरकार है, लेकिन उसके लिए आज काम करना ज़रूरी होगा। इसके लिए एक वाशिंगटन DC में पैक का इनका बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि उसमें आपके रिसर्च सेल हो, उसमें आपके लॉबीस्ट हों, आपके अटर्नीस हों, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए और पाकिस्तानियों के लिए जो यहाँ रह रहे हैं और जो मुल्क से बाहर हैं उनके लिए काम करें। यही एक चीज़ इंडियंस ने बहुत ही खुश उसलूबी से अपने लिए और अपने मुल्क के लिए की है। उन्होंने वर्ल्ड वाइड जो बैठ के यहाँ पे काम किया है, ना सिर्फ यहाँ के पॉलिटिशियंस को अपने साथ मिलाने के लिए और अपनी आवाज़ को उनके साथ मिलाने के लिए, बल्कि इस वजह से उनके अपने 5 कांग्रेसमैन जो हैं वो कांग्रेस के अंदर। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तानी अमेरिका आते हैं वो किस तरह वहाँ की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेकर पाकिस्तानी मौकफ पेश कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा यहाँ के लिए कि जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए। यहाँ जो अमेरिकन पाकिस्तानी बॉर्न एंड रेस्ड जो यंग जनरेशन है, उनको सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है देना
ہمارا فرض ہے اور ان کو یہاں کی مین اسٹریم پالیٹکس میں لانا ہی ہمارے لیے باعث افتخار بھی ہوگا اور ہمارے لیے وہ ایک مشعل راہ بھی بنے گا جو کہ ہمارے وہاں پہ پاکستانی ینگسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. ان دونوں کا کنیکشن آپس میں اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے لوگ یہاں پہ مین اسٹریم میں پالیٹکس میں جائیں اور اسی وجہ سے ہم آگے زندگی میں اپنے ملک کو سیو کر سکتے ہیں, اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. ہمارا ملک بھلے بہت چھوٹا ہے لیکن اس میں ذرائع بہت زیادہ ہیں جن کو ہم یوٹیلائز نہیں کر سکتے, اور صرف اسی لیے کہ ہمارے نالج بیس میں نہیں ہے کہ ہم کیا کریں. جب تک ہم سینس آف ڈائریکشن اپنی ینگ جنریشن کو نہیں دیں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. صدر پاکستان چیمبر آف کامرس آپ امریکہ ڈاکٹر مبشر چودھری, اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ لابنگ بہت ضروری ہے اور مؤثر لابنگ, اس کے لیے وقت بھی درکار ہے. بھارت اپنے تمام تر ریسورسز اس سلسلے میں استعمال کرتا ہے, وہ اپنی مشینری پوری یوز کرتے ہیں, وہ اپنے سیلیبریٹیز کو اس کے لیے یوز کرتے ہیں, وہ اپنے ایتھلیٹس کو اس سب کے لیے یوز کرتے ہیں, اور وہ ایسا بہت بہت عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ انہوں نے کم از کم اپنی نیشن کے لیے کیا ہے. ہمیں اپنی نیشن کے لیے نہیں, ہمیں اپنی پوری قوم کے لیے نہیں, ہمیں عالمی امن کے لیے بھی یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں مؤثر لابنگ کا طرز اپنانا ہوگا, اور ہم اس کے بہت واضح اشارے, بہت مؤثر اشارے دیکھ بھی رہے ہیں. انہوں نے کچھ وقت کہا کہ اس کے لیے درکار ہے, 5 سال کی انہوں نے بات کی تھی. بالکل. اور کرن, جب ہم اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس سے متعلق خبر شیئر کر لیں جہاں پر دیکھا گیا کہ نریندر مودی کے خلاف احتجاج ہوا اور یہ احتجاج کا سلسلہ رکا نہیں, یہ سلسلہ جاری ہے. جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کاؤنسل کے سامنے احتجاجی کیمپ لگے, اس سے متعلق ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں, پھر آگے چل کر مزید بھی ہم بات کشمیر سے متعلق ہی کر رہے ہیں. اور آج کشمیریوں سے یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے, اور ہم نے اس دن کی مناسبت سے ایک بڑا پیارا مہمان بلایا ہے, ایک ایسا بچہ جو اپنی بڑا آرٹسٹ لیکن چھوٹا سا, کیونکہ اس کی آواز, اس کے جو الفاظ کا چناؤ ہے, اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیریوں کے یکجہتی کا اظہار وہ کرتا ہے. تھوڑا سا گانا سنتے ہیں, تھوڑا سا ہم نے آپ کے لیے ایک حصہ اس گانے کا نکالا ہے, وہ سناتے ہیں آپ کو, حماد سے پھر آپ کی ملاقات کرائیں گے. منہ منہ ہاتھوں میں کشمیر کا جھنڈا, آواز میں, انداز میں, عزم, جذبہ, اتنی توانائی, اتنی قوت, حماد علی کو آپ نے پہچان لیا, ہم کو پتہ تھا اس لیے تو ہم نے بلا لیا. بہت شکریہ آپ آئے. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اور یہ نیا تھا آپ کا میرا کشمیر؟ جی, اوریجنل سانگ. یہ اوریجنل سانگ ہے, اور یہ کہ آپ نے بہت محنت سے, بہت دل سے اس کو تیار کیا ہے. جی, رسپانس تو اچھا آ رہا ہے, گانا بہت پیارا ہے, ملی نغمہ بہت اچھا ہے یہ. تھینکس. کس کس نے سپورٹ کیا اس میں؟ اس میں میرے فادر نے مجھے بہت سپورٹ کیا, اور ایک شاہ اسٹوڈیو کے آنر ہے شوکت شاہ حیدرآباد میں, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, تو ان کی محنت سے. اور یہ کتنے دن ہو گئے جب گانا لانچ ہوا؟ 2 ہفتے ہو گئے تقریباً. جی, 2 یا 1 ہفتے ہو گئے. 1.5 ہفتہ ہو. ویڈیو تو بہت پیارا ہے, تو انہوں نے کہا تھا آپ کو جب یہ ویڈیو بنا رہے تھے, کتنے دنوں میں بنا ہے, کتنے وقت میں بنا ہے؟ یہ پورا 1 دن ہمیں لگ گیا تقریباً. دن لگ گیا تھا؟ صبح گئے تھے, رات کو. صبح گئے تھے, رات کو آئے تھے, ناشتہ کر کے گئے تھے؟ کوئی کھانا اسکپ تو نہیں کیا تھا؟ نہیں, تھوڑا بہت کرنا پڑا تھا. اچھا, یہ اگر ابھی میں کہوں کہ مجھے تھوڑا سا لائیو ابھی سنا دیں بہت ساری باتوں سے پہلے, پاسبل ہوگا؟ جی, پلیز پلیز پلیز. میرا کشمیر. شہیدوں کا لہو ایک دن تارے گا پکارے گا, شہیدوں کا لہو ایک دن پکارے گا پکارے گا, فتح کشمیر کی ہوگی, فتح کشمیر کی ہوگی, خدا وہ تو دکھائے گا میرا کشمیر, میرا کشمیر. تھینک یو. یہ اس وقت اگر میں یہ کہوں نا کہ میرا کشمیر, یہ میری, میرے کشمیری بھائیوں کی, اور جہاں جہاں انسانیت ہے نا کسی کسی دل میں اتنی سی بھی زندہ, یہ آپ نے ان سب کے دلوں کی ترجمانی کی ہے. یہ فیلنگز ہے, یہ سانگ نہیں, سانگ نہیں, یہ فیلنگز. واہ 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 واہ, یہ پیاری بات کر دی. اچھا, یہ جو فیلنگز ہیں نا, آپ کو پتہ ہے, اب چونکہ آپ کی تو دیکھیں نا, آپ نے کشمیر کا کو اتنے سلیقے سے, قرینے سے, کلیجے سے لگایا ہے نا, فیلنگز کی آپ نے بات کی ہے, اس وقت دنیا بھر میں ان فیلنگس کو جگانے کی بہت ضرورت ہے. جی, اور وزیر اعظم پاکستان اسی سلسلے میں بہت محنت کر رہے ہیں, بہت مؤثر انداز میں بات بھی کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ
हमको ना उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलानी है और हमको रुकना नहीं है, हम अपनी अपनी कैपेसिटी में इस सब में काम करते रहे। अभी कश्मीर के ऊपर कुछ और मिली नकमे भी हैं क्या जिन पर आप काम कर रहे हैं? जी काम हो रहा है, लेकिन अब तो फिलहाल APS के प्रोजेक्ट चल रहे हैं APS के बारे में। अच्छा अभी आप, अच्छा ठीक है, ये तो आप कर ही रहे। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, लगभग 13,000 बच्चे हैं इस वक्त मकबूजा वादी के जो लापता हैं, और ये सब कुछ जुल्म है। एक बच्चा घर नहीं जाता, माँ बाप के दिल पर क्या बीतती है, और वो उसको ढूंढने वो भी बाहर नहीं जा सकते, वो भी किसी से नहीं कह सकते, वो घर में बंद है। इंडिया वाले उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, ये होना नहीं चाहिए। तो आप ऐसे ही नए ट्रैक्स के ऊपर, नए मिल्ली नगमों पर काम करते रहेंगे? जी इंशाल्लाह। जिसमें हम शोहदा को याद करेंगे, हम छोटे बच्चों के लिए बात करेंगे, उनके हुकूक के लिए बात करेंगे। जी उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। शाबाश, और उनमें भी फीलिंग्स होंगी ज़बरदस्त। थैंक यू। थोड़ा सा मैसेज मैंने, जी प्लीज़ प्लीज़। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीरी जो है हमारे भाई बहन, वो बिल्कुल हमारे साथ ही हैं और हम उनके साथ आवाज़ उठाएँगे। इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंडिया वाले सुन लो, जितना जुल्म करना है करो, जितना करना है, लेकिन इंशाल्लाह हम बदला लेंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। थैंक यू। बच्चे आप हमारे साथ हैं हमारे, और हम आपको दोबारा भी बुलाएंगे। हमें आपकी बात के वो जो फीलिंग्स की आपने बात की ना, बहुत प्यारी बात थी। बस आपने तो जगा दिया सुबह सबको। यस। तो चलिए जी, एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान साहब। सर वेलकम टू नया दिन। सर बताइएगा, जिस तरह हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दुनिया में कश्मीर का मसला उठा रहे हैं, और इस तरह से उठा रहे हैं जैसे पहले कभी उठाया नहीं गया, आप क्या समझते हैं कितना स्ट्रांगली अब उठाया जा रहा है? तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान ने जो मुलाकातें की हैं, और ख़ास तौर से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो यहाँ सदूर और वज़राए आज़म से मुलाकातें की हैं और मुख्तलिफ़ फोरम्स में गुफ्तगू करके मसला कश्मीर को उजागर किया है, और इस वक्त जिस क़यामत से कश्मीर के लोग गुज़र रहे हैं, मकबूज़ा कश्मीर के लोग, उसके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से मैं हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये कोशिश काबिल तहसीन है, लेकिन चैलेंजेस कुछ कम नहीं हैं, क्योंकि आलमी मीडिया या यहाँ की सिविल सोसाइटी या दुनिया की सिविल सोसाइटी तो हमारा साथ दे रही है, लेकिन सिवाय चंद ममालिक के लोग खुलकर मसला कश्मीर के ऊपर गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई मजबूरियाँ हैं, माशी मजबूरियाँ हैं हिंदुस्तान के साथ बंधी हुई। तो मैं समझता हूँ कि जो इस मरतबा सफारती कोशिश हुई है, उसकी वजह से ये एहतियात जो बरत रहे हैं लोग, वो ख़त्म करेंगे और खुल कर मसला कश्मीर के बारे में बात भी करेंगे, कश्मीरियों के हकूक़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो अव्वली तरजीह है वो ये है कि कश्मीर में जो जुल्म व सितम हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए। जो कत्ले आम का या नस्ल कुशी का एक सिलसिला शुरू हुआ है, इसे बैनुल अक़वामी बरादरी की मदद से, ये एक अखलाकी दबाव, एक सफारती दबाव की मदद से हम ख़त्म करवा सकें। अच्छा, इसका जवाब भी कहीं कहीं से आ रहा है। जो मुस्तनद माने हुए जो सहाफ़ती इदारे हैं, जो अखबारात हैं, उसमें इस बात को बाकायदा हेडलाइंस में भी जगह दी गई है, और इस वज़ीर आज़म के इस काम को सराहा भी गया। अच्छा, अब आज का बड़ा दिन है, बड़ी तकरीर है। वज़ीर आज़म इमरान खान जनरल असेंबली इजलास से तकरीर करेंगे, खिताब करेंगे। अब उस तकरीर से क्या उम्मीदें लगाई जाएँ, और ये भी बता दीजिएगा कौन से अहम निकात होने चाहिए इसमें? मकबूजा कश्मीर में क़यामत का मंजर है, गलियां वीरान हैं, लोग अपने घरों में नज़रबंद हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, और उसके अलावा हज़ारों लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। हिंदुस्तान की एक तंजीम है जिसने बताया है कि 13,000 नौजवान गिरफ़्तार कर दिए गए हैं, और लोगों को, ये जो गिरफ़्तार हुए हुए लोग हैं, 13,000 जो लोग हैं उसमें बच्चे भी शामिल हैं, और उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। जो असल तादाद हमें मालूम नहीं है, मुमकिन है 20,000 से 30,000 लोग जो है वो ज़ेरे हरासत हैं, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल कर दिए गए हैं, और मकबूजा कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान ने एक हमला किया हुआ है। वहाँ जो फौजी हैं वो कश्मीरियों को हर किस्म के जुल्म का निशाना बना रहे हैं, ये तस्वीर दुनिया के सामने पेश होनी चाहिए। दूसरे पैगामात वाज़े हैं कि कश्मीरियों को हिंदुस्तान के जुल्म से बचाओ, ये जो हिंदुस्तान को छूट दी हुई है माशी मुफादात की वजह से, उसे ख़त्म करो। दूसरा, ये कश्मीर को बचाओ, क्योंकि कश्मीर को हिंदुस्तान एक नौआबादी में तब्दील करना चाहता है और कश्मीरियों के तमाम हकूक छीन रहा है। तीसरा पैगाम ये है कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को हिंदुस्तान जंगी जाहिरियत और जंगी जुनून से बचाया जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़
धमकियां दे रहा है, उन कह रहा है कि मैं एक अपने न्यूक्लियर असला इस्तेमाल करूंगा और आज़ाद कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा करूंगा, तो बैन अल-अक़वामी बरादरी ऐसे इकदाम करे जिससे कि हिंदुस्तान को इस किस्म की जारहियत से बाज रखा जाए। सदर आज़ाद कश्मीर हमारे साथ थे, बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे डेंगू के वार पूरा मुल्क शिकार, इसके अलावा वर्ल्ड टूरिज्म डे इस पर भी अपडेट आपको देंगे, और 3900 दिन बाद बड़ा मुकाबला हो रहा है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, सबकी करेंगे बात लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, इंतजार खत्म हो गया इसका, नहीं कि हम आपके बाद आ गए जो किरण ने कहा 3900 दिन बाद क्या होने जा रहा है जी, कराची में वन डे क्रिकेट का मैच होने जा रहा है, तकरीबन 10 साल और रोशनियों का शहर कराची, यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट का मेला सजेगा पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, तो पहला वन डे मध्य मुकाबले आएंगे, जरा एक रिपोर्ट पहले देख लें किरण प्लीज, उसके बाद हम अपने मौजूद मेहमान से भी आपको मिलाएंगे, उनकी बातें सुनेंगे। क्या कर रहे शुएब, क्या कर रहे शुएब, क्या कर रहे शुएब, मैच की बात करनी मैं है। चार्जिंग के केबल लगा रहा था। चार्ज तो रहना होगा, चार्ज तो रहना होगा, वैसे ज्यादा चार्ज अगर रहेंगे तो फिर आप यू नो जीतेंगे, खेल अच्छा होना चाहिए। श्रीलंका के दरमियान ये तो तीन मैचेस की वन डे सीरीज है, इसका पहला मैच आज है जी नेशनल स्टेडियम में, और स्टेडियम के बाहर रेंजर्स और पुलिस के इजाफी दस्ते भी तैनात रहेंगे। फूल प्रूफ बनानी थी इसीलिए तो ये करना था, तो भाई क्या करें, पहले अपने नुमाइंदे से बात करें इस सिलसिले में। साद साबरी हमारे साथ हैं, साद साबरी एक तरफ तो ये मैच होना है और दूसरी तरफ मामला ये है कि सिक्योरिटी इंतजाम कड़े हैं, यहाँ पर एहलकार खड़े हैं, बताइए हमें इस बारे में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, आप जो है शायकी ने क्रिकेट का इंतजार खत्म होने को है, दोपहर 3 बजे पाकिस्तान बमुकाबला श्रीलंका की जो 3 रोज़ा वनडे सीरीज है उसका पहला मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा, और सिक्योरिटी की जो बात करें तो वो फुल प्रूफ है। आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि रहते हैं कि रेंजर्स के जवान यहाँ पर मौजूद हैं जो कि सिक्योरिटी के जो है फराइज अंजाम देंगे नेशनल स्टेडियम में, और पुलिस की जो नफरी है वो 5000 के लगभग नफरी है जो कि स्टेडियम के बाहर रहेगी और तमाम तर जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाएगी। इसी तरह ट्रैफिक एहलकार जो है वो 2000 की तादाद है जो कि ट्रैफिक के मामला को डील करेंगे। सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पर खासे जो है वो सख्त नज़र आते हैं, वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं, लेडीज़ एहलकार भी यहाँ पर तैनात हैं, सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, फिजाई निगरानी की जाएगी और पाक फौज जो है वो इस मैच की जो है वो निगरानी वो भी करेगी, और रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका जो टीमें हैं वो जो है स्टेडियम के बाहर भी मौजूद हैं, अंदर भी मौजूद हैं, कड़ी सिक्योरिटी हमें यहाँ देखने को आई है। शायकीन क्रिकेट जो है वो भरपूर तरीके से इस मैच को इंजॉय कर सकेंगे, उनके लिए पार्किंग एरियाज बनाए गए हैं, ख्वाजा गरीब नवाज पार्किंग एरिया है और राणा लियाकत अली कॉलेज पार्किंग एरिया, एक्सपो सेंटर के गेट नंबर 2 के पास पार्किंग एरिया बनाया गया है जहां पर शायकीन क्रिकेट अपनी गाड़ियां पार्क कर सकेंगे और वहां से शटल सर्विस के जरिए सिक्योरिटी के हिसार में जो है वो नेशनल स्टेडियम आ सकेंगे जहां पर वो मैच को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। मैच 3 बजे स्टार्ट होगा, पर 3 घंटे कबल यानी कि 12 बजे जो स्टेडियम आने वाले दाखिली रास्ते हैं, अगर हम बात करें डालमिया रोड, कारसाज रोड, हसन स्क्वायर रोड और धोरा जी रोड, इनको कंटेनर्स लगा के सील कर दिया जाएगा और ये तमाम एरिया सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हिसार में होगा जहां पर आज का ये तारीखी मैच तो खेला जाएगा पाकिस्तान बमुकाबला श्रीलंका। साथ ये बताएं कि अगर मुझे मैच देखने में अपने घर से कितने सवेरे निकलूं, एक अंदाजा बताए जरा मुझे। टीवी लॉन्च में जाए ना, देखिए अगर आपने मैच देखना है तो आप घर से निकलते ही मैच को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। आप घर से 11 बजे निकले और 12 बजे तक आप शटल सर्विस तक पहुंच जाए ताकि 12 बजे जो है वो स्टेडियम के लिए। ये तो आपने बात करी साहब, घर से ना निकले, ऑफिस से सीधा जाए, 11 बजे तुम यहाँ से निकलेंगे अगर निकलने दिया गया, और शटल सर्विस होने के बावजूद भी बहुत चलना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन ये जो उन्होंने कहा ना 3 बजे का वो बता रहे पार्किंग वाला टाइम, पार्किंग वाला टाइम कौन सा वाला टाइम, मैं 3 बजे रोज बारिश का टाइम देख रहा हूँ आजकल, यही हो रहा है। अच्छा ठीक है साथ, आप तो हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहे,
तो अगर आप लोग मिस कर गए थे और आप लोग ये चाहते हैं कि हम आपको बताएं नया दिन के नाज़रीन के हमारे साथ कौन कौन है, तो मैं बता देती हूँ, स्पोर्ट्स एनालिस्ट अदील अज़हर हमारे साथ है और उनके साथ ही मौजूद है जवाद भाई, बहुत शुक्रिया आप दोनों हमारे साथ हैं। मैं मौसम और खेल दोनों पर बात हमें इसलिए करनी है क्योंकि अगर खिलाड़ी भी कह दे कि जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, तो मेरे ख्याल में खेल और मौसम की बात साथ साथ कर ही लेनी चाहिए। कल फिर 3 बजे बारिश हुई थी। मैं सुबह से हंस रही हूँ ना, जिस बात पे आपने उस पे मुझे हंसने का मौका तक ना दिया। तसल्ली से हंसे, मुझे भी हंसाएं, व्यूअर्स को भी हंसाएं। बताए ना। तो जवाद भाई, ज्यादा बारिश आएगी? बारिश आज भी तकरीबन कुछ उसी तरीके से है और अब तो मेरे ख्याल से कराची वाले यूज टू हो गए पिछले 4-5 दिन से, उन्हें पता है कि बिल्कुल अगर आपको घड़ी सेट करनी है तो अब आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि जी बारिश हो रही है। अच्छा, ये 3 बजे का जो मैंने टाइम दिया ना, कि मैंने अपने इलाके के हिसाब से, ऐसा नहीं पूरे कराची में 3 बजे बारिश हो रही है, किसी तरफ 3 बजे के अलावा भी बारिश हो रही होगी। अपने इलाके के हिसाब से अपनी घड़ी मैच करें, टाइम सेट करें। ये सोचता हूँ इस बार अगर बारिश ना हुई आज 3 बजे तो हम कितना मिस करेंगे बारिश को, इतना यूज्ड टू हो गए हम लोग वाकई। तो ये ना सरफराज वैसे अपनी ना हंसी रोकते 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 हंस दिए, मुस्कुरा दिए ना। मेरे ख्याल से सरफराज ने ना अब इस जुमले को अमर कर दिया, यानी अगर लोग भूल भी गए होंगे ना, सरफराज ने अब उसमें सीमेंट लगा के उसको पक्का कर दिया। पीपल आर नॉट फॉरगेटिंग दिस नाउ। अच्छा अदील, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है 3,900 दिन बड़ा लंबा टाइम है ये वनडे क्रिकेट की वापसी। बिल्कुल, मुझे अब इसमें ये बताएं कि खेल ये जो नंबर्स का गेम है ना, उससे पहले कि ये नंबर्स, ये इंतजार के नंबर्स थे सारे के सारे। बट एनीवेज अदील, होम ग्राउंड का एडवांटेज और होम क्राउड का भी एडवांटेज होता है, बट आई थिंक 16 रुकनी स्क्वाड में ओनली 4 प्लेयर्स हैं जो पहले खेल चुके हैं होम ग्राउंड में, अदरवाइज बाकी सब तो नहीं खेल चुके। देखिए वनडे क्रिकेट पाकिस्तान में लास्ट टाइम जो हुई थी, ऑफकोर्स जिम्बाब्वे की टीम एक दौरे के लिए आई थी, मैं उस क्रिकेट को इस क्रिकेट से बिल्कुल मुख्तलिफ समझता हूँ। नॉट दैट कि हमने वो 60 ओवर का मैच खेला, तो 50 ओवर का गेम था, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक तरह से आई वुड से सॉर्ट ऑफ बैकफुट पे था। हमने बड़ी अच्छी पेमेंट्स की थी खिलाड़ियों को पाकिस्तान में खेलने के लिए। सही, सिचुएशन अब बदल चुकी है और आई थिंक हम दसियों बातों पर क्रिटिसाइज क्रिकेट बोर्ड को कर सकते हैं, लेकिन जो इन्होंने स्टैंड यहाँ पर लिया कि तुम जितनी भी वीक टीम भेजोगे सीरीज पाकिस्तान में ही होनी है, ये इस पे अगेन आर्गुमेंट हो सकता है कि क्या पहले पैसे देना सही बात थी या गलत बात थी, लेकिन आई थिंक पीसीबी शुड बी अप्रिशिएटेड। कल एहसान मानी साहब ने एक बार फिर से बड़ी क्लियरली ये बात बोल दी है कि पाकिस्तान की होम सीरीज़ अब पाकिस्तान में होनी है। जहाँ तक खिलाड़ियों का ताल्लुक है, आप उनके ट्वीट्स अगर चेक करें, बाबर आजम एंड ऑल दे आर सो एक्साइटेड टू प्ले इन द होम ग्राउंड कराची में। जैसे आप कह रहे हैं, आई थिंक 21 जनवरी 2009 आखिरी बार पाकिस्तान श्रीलंका से ही खेला था और हम बड़ी बुरी तरह वो मैच हारे थे बाय द वे, और उसके बाद जो हज़्फ कर देना, छोड़ इसको हटा देते हैं, इसको भूल जाते हैं, वो श्रीलंका की बड़ी मजबूत टीम थी, संगकारा जयवर्धने खेलते थे, आई एम श्योर मुकाबला तो शायद इतना टाइट ना हो। तो कभी कभी ऐसा करते हैं कि वो छोटे छोटे बच्चों के सामने भी कहते हैं ये लो जीत तुम्हारी हुई, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। पाकिस्तान ने एक और काम जिस पे अगेन आई डोंट नो व्हाई हमारे एनालिस्ट हर बात पे क्रिटिसाइज करते हैं, पाकिस्तान इज प्लेइंग विद अ फुल स्ट्रेंथ साइड, हमने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक अ स्टेटमेंट, हमें जीतना है, हमें पॉइंट्स लेने, ICC की रैंकिंग होती है। पाकिस्तान वनडे में पिछले चंद सालों से बहुत खराब खेलता हुआ आ रहा है। आई थिंक PCB की मैनेजमेंट, PCB की टीम मैनेजमेंट, चाहे ओवरऑल कहीं पे भी नॉन सीरियसनेस नजर नहीं आ रही है आपको, इस वजह से कि टीम हल्की आ रही है या कुछ आ रहा हो, हाँ शायद वो हाइप क्रिएट नहीं हो पाई। अगर आपको याद हो PSL से पहले हर जगह खिलाड़ियों के कटआउट्स लगे हुए होते थे और बोर्ड्स लगे हुए होते थे, देखने जो मैच नहीं भी देखने चाह रहा था उसको पता होगा, उसकी शायद रीजन अगवा भी हो गए थे। उसकी रीजन जाहिर एक बड़ी क्लियर है, और वो ये कि ये काम PCB नहीं करता था, ये काम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करती थी जिसमें सिंध गवर्नमेंट शामिल है। इस वक्त आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट वाले बेचारे नैप के चक्कर ज्यादा लगा रहे हैं, तो क्रिकेट में उनका ध्यान है नहीं, सफाई भी काफी कर रहे हैं, तो जो है चीजें लगा के भी साफ कर देते हैं, मतलब दोनों तरफ सफाई हो रही है। बट सीरियसली एज अ क्रिकेट फैन आई थिंक इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस के Honestly, मैं माई सन इज 13 नाउ और वो हमेशा मुझसे कहा करता था कि हम एक बार क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने श्रीलंका भी गए थे कि यार क्रिकेट ही देख लें इस बहाने। वो मुझसे अक्सर ही पूछता था कि हम पाकिस्तान में कब मैच खेलेंगे। सो
الحمدللہ آئی مین وی آر سیئنگ دس ہیپننگ ان آور لائف ٹائم, ورنہ ہمیں لگتا تھا پتہ نہیں یہ کبھی ہو بھی یا نہ ہو. اچھا اب ذرا نا ٹکٹ سیلز, اور یہ میرے ہاتھ میں ٹکٹ آیا اور وہ میں میچ دیکھنے پہنچی, یہ والا جو رسپانس ہے, یہ جو بےتابی ہے, یہ واقعی آپ ہمیں کلیئرلی بتا سکتے ہیں یہ دیکھی گئی, ایسا ہوا ہے؟ انفارچونیٹلی نو. اس بار میں کوئی میں اس کی دیکھیے اس کی بہت ساری ریزنس آ جاتی ہیں. میں اس پہ کوئی, کیونکہ میرا تھوڑا سا واسطہ رہتا ہے ان ٹک ٹاک کی سیل وغیرہ کے حوالے سے, اور میری نظر رہتی ہے ان چیزوں کے اوپر. آپ کو شاید میری ڈریسنگ سے بھی لگ رہا ہوگا, مجھے بھی ابھی نیشنل اسٹیڈیم ہی جانا ہے, بیکاز وہاں پہ آر ٹیم ول بی دیئر اینڈ آل, ورنہ میں دفتر اس کپڑوں میں بالکل بھی نہیں جاتا. میں آپ کو بتاتا ہوں, شاید ایک تو کراچی میں جب ٹک ٹاک کی سیل, لاہور میں رسپانس ہیز بین گڈ, اوکے ویری گڈ, بیکاز ٹی ٹوینٹی میچز. دیکھیے ایک تو آپ کو بات ماننی پڑے گی, پچھلے 10 سال میں لوگوں کا مزاج ون ڈے کرکٹ سے ٹی ٹوینٹی کی طرف اب آ گیا ہے, سوئچ ہو گیا. ٹیسٹ تو بہت ہی مخصوص, جو بہت ہی ہارڈ کور کرکٹ فالوور ہوگا وہ ٹیسٹ دیکھتا ہے. بات آپ کی کر چکی, آئی ایم سو سوری, بات مکمل بھی کیجیے گا, سپ لے لیں کافی کا ایک, لیکن مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کراچی کے شہری کو ووٹ یا پھر میچ دونوں کے لیے باہر نکلے وہ, اس کے لیے سب کو ایک سی محنت کرنی پڑتی ہے, پھر وہ آمادہ ہوتا ہے کہ اچھا چلو یہ بھی مجھے کرنا چاہیے, یہ مزاج تو نہیں ہے کہیں. ووٹ میں تو اس بار کافی لوگ نکل آئے تھے خیر دینے کے لیے. کرکٹ میں دیکھیے اس میں 3-4 وجوہات آتی ہیں. اگر یہی ٹیم ملنگا آ رہا ہوتا, اینجلو میتھیوز ہوتا, ڈیکویلا ہوتا, یہ جو ان کی ورلڈ کپ میں ہم نے ٹیم کھیلتے ہوئے دیکھی ہے, دا رسپانس وڈ ہیو بین بیٹر. سیکنڈلی جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں کا مزاج چھوٹی کرکٹ پہ آ گیا ہے. آپ دیکھیے کہ کراچی میں جب لاہور سے میچز کینسل ہو کے پی ایس ایل کے کراچی میں آئے تھے, اب اسلام آباد یونائٹیڈ ورسز لاہور کلندر یا اسلام آباد یونائٹیڈ ورسز ملتان سلطان, جس میچ سے کراچی کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, 90% اسٹیڈیم واز فل. اٹ واز آل اباؤٹ دا سارٹ آف پلیئرز دیٹ یو آر سینگ. جو پلیئرز آپ دیکھ رہے ہیں, سری لنکا کی ٹیم ہلکی آئی. دوسرا, لیٹس ناٹ فورگیٹ, کراچی میں جب ٹک ٹاک کی سیل شروع ہوئی تھی اس پر کراچی میں بڑی شدید گرمی پڑ رہی تھی, لوگوں کا یہ خیال تھا. اور ہمارے یہاں جو کوئکس بیٹھے ہوتے ہیں نا موسم والے, ارے میں بتا رہا ہوں اگلے ایک ہفتے یہی گرمی پڑنے والی ہے یار, پک جائیں گے اسٹیڈیم میں, وہ سوچ. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار ٹکٹ کی پرائز بہت زیادہ مہنگی تھی, آئی ٹوٹلی ڈس اگری وتھ دیٹ. 500 روپے میں آدھا اسٹیڈیم اگر اویلیبل ہے, دیٹ شوڈ بی سیلنگ. سو ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جیسے یہ آج سیریز شروع ہو جائے گی, انشاءاللہ پہلا میچ ہو جائے گا, we are already seeing an uptake in the tickets for the one day number 2 and 3. اور لاہور تو آئی ایم ویری کانفیڈنٹ وہاں پہ آپ کو بہت اچھا رسپانس ہے. لیکن جب ہم ان کی ٹیم کی بات کریں, کرٹیسزم ظاہر بہت زیادہ ہو رہا ہے عدیل, لیکن ہارڈلی ایک دو پلیئرز ہیں جو ڈیبیو کر رہے ہیں, ان کے باقی تو سارے او ڈی آئی انٹرنیشنل پلیئرز ہیں. دیکھیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سری لنکا ایز اے ٹیم پچھلے 3-4 سال سے کافی اسٹرگل کر رہی ہے, اور یہ ہم دیکھ رہے تھے. ہمیں پتا تھا کہ جب جیا وردھنے جائے گا, سنگاکارا جائے گا, مرلی تھرن کو ریٹائر ہوئے تو اب کافی عرصہ ہو گیا. انفارچونیٹلی دے کوڈ ناٹ ریپلینش دیئر اسکواڈ, وہ دوبارہ ان پلیئرز کو ایسے نہیں لائے کہ جو کہ اسٹار بن سکیں. تو سری لنکا نے پچھلے 3-4 سال میں بہت ٹرائل اینڈ ایرر کیے ہیں. اگر آپ ان پلیئرز کی لسٹ بھی نکال لیں, ان میں سے دو میچز تین میچز یعنی انہیں کھلایا گیا وہ نہیں آ پائے, انہیں ڈراپ کر دیا, پھر کسی اور کو لایا گیا. سری لنکا ایز اے کرکٹنگ پلیئنگ نیشن وہ اسٹرگلنگ, اس میں کوئی شک نہیں. ہاں انہوں نے ساؤتھ افریقہ کو ان کے ہوم گراؤنڈ پہ ہرایا, دیٹ واز اے بگ سرپرائز اینڈ اپسیٹ, بٹ ساؤتھ افریقہ اٹ سیلف وہ ٹیم نہیں رہی کچھ عرصے سے, اور ان شاء اللہ آئی ایم شیور دے ول کیچ اپ ایز اے گڈ کرکٹ پلیئنگ نیشن. بٹ یس, سری لنکا خود بھی اسٹرگل کری, تبھی آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادہ ڈیبیوٹینٹ نہیں ہے, لیکن اٹس اے ویک سائڈ. بٹ عدیل, شاید ٹیم تو یہی ہونی تھی ورلڈ کپ بعد, جس طرح ٹیم چینج ہوتی ہے, اور اب یہی ٹیم, سری لنکا کے پاس آپشن نہیں تھی ٹیم چینج کرنے کی. آئی ایم ٹیلنگ یو دس, دے ڈنٹ ہیو دی آپشن, بیکاز دیکھیے ان کے پاس بینچ اسٹرینتھ میں اتنے زبردست پلیئرز نہیں تھے. آئی ایم دیکھیے میں نے اپنے ریڈیو شو میں, سما ایف ایم پہ ریڈیو شو کر رہا ہوتا ہوں, کل میں نے جو ہے یہ بات بول دی تھی کہ یار آئی وونٹ مائنڈ اگر سری لنکا ایک ون ڈے میچ جیت جائے, اس پہ ہمارے دوست بڑے آفینڈ ہو گئے, یار آپ پاکستان کو ہروانے کا, نہیں یار میں پاکستان کو ہروانا نہیں چاہتا, میں پاکستان کی وہ کراؤڈ جو ٹکٹ اس لیے بائی نہیں کر رہی کہ سری لنکا کی ہلکی ٹیم آ رہی ہے, ان کو ایک سبق ملنا چاہیے کہ کرکٹ میں کوئی ٹیم ہلکی نہیں ہوتی یار, لیٹس گیو دیم دی ریسپیکٹ. بالکل ایسے, اور اپنے کب ہلکے بھاری ہو جائیں, یو نیور نو. اینڈ اس کے علاوہ یہ بھی ہے نا کہ ہم لوگ عادی ہو گئے نا, تم جیتو یا ہارو سنو ہمیں تم سے پیار ہے, یہ ہم نہیں بھولتے. ایسے اب بڑی نفرت سے ہو گئی ہے مجھے, ویسے سیریلی اب پیار نہیں آتا, کبھی کبھار ہارنے انڈیا سے پیار نہیں آ سکتا. جواد ایک نہیں تین تین مقابلے ہیں آج کا بھی, پھر اس کے بعد میں آگے جا کے 29 کا بھی, اور پھر اس کے بعد میں جا کے 2 اکتوبر کا بھی. تو یہ بتائیے
ये बादल यूं ही खेल खेलते रहेंगे, बादल क्या क्या फोरकास्ट रहने वाली है? फोरकास्ट के अगर आज के हवाले से अगर बात की जाए तो आज भी कुछ उसी तरीके का दिन रहेगा, वही गर्म स्टार्ट होगा और दोपहर के टाइम हम दोबारा जो है वो एक लिमिटेड एक्टिविटी दे सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि अभी जो मौजूदा सिस्टम जो चल रहा था वो अब काफ़ी हद तक जो है वो वीक हो चुका है। ओ, जिसकी हमने कल बात भी की थी। जी बिल्कुल। ओके। नहीं, वो दूसरा सिस्टम था, वो आने वाला अच्छा सिस्टम है। ये जो ऑन गोइंग सिस्टम था जो इस वक्त गुजरात राजस्थान रीजन का ये वीक हो गया, ये काफ़ी हद तक वीक हो गया और कह सकते हैं कि इस सिस्टम के थ्रू आज जो है वो बारिश होगा, तकरीबन आखिरी दिन होगा। और स्पेसिफिकली मैच की बात करें तो जो टाइम फ्रेम हम देखते आ रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से, तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि शायद थोड़ा सा डिले हो जाए, शायद थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाए, लेकिन टोटली वाइप आउट होने के ऐसे कोई बहुत लो चांसेस। और जो 29th सितंबर और फिर 2nd अक्टूबर, 29 और 2nd अक्टूबर की अगर शुएब बात की जाए तो इस वक्त जो नया जो आने वाला सिस्टम है वो अभी भी ऑफशोर मुंबई है और उसके कुछ हद तक चांसेस हैं कि वो कराची की तरफ हो सकता है मूव करे, लेकिन बहुत ज़्यादा अब चांसेस हैं कि वो काफ़ी वीक शिद्दत में गुजरात साइड मूव कर जाए। तो कुछ कह सकते हैं कि हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, तो कोई इतनी लार्जली डिस्टर्बेंस इस वक्त नज़र नहीं आ रही। ठीक है, ये तो मैच के पर्सपेक्टिव से बात हो गई ना। एक मुझे वैसे ही बता दें, ये अगला फ्राइडे और ख़ासतौर पर अगला सैटरडे क्या बिल्कुल वैसे ही मौसम हो जाएगा? धूप होगी, कड़ी धूप होगी तकरीबन तकरीबन कुछ इसी तरीके से होगा। कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है जवाब, बहुत शुक्रिया मुझे अनिल भाई आप साथ मौजूद रहे थे, हमारी खासी अब समझ तो गए होंगे। ये जो वीकेंड का प्लान पूछा जा रहा था, अगला वीकेंड मौसम कैसा होगा, ठीक है जी आगे बढ़ते हैं, डूबते सूरज की बात करें तो उसके लिए शिकागो चलना पड़ेगा, क्योंकि शिकागो में साल में 2 मरतबा डूबता सूरज एक ऐसा मंजर पेश करता है जो हम आपको विजुअल इसके कुछ दिखा भी रहे हैं के बड़े खूबसूरत विजुअल्स ये होते हैं और स्पेशली फोटोग्राफर्स यहाँ पर पहुँचते हैं, बल्कि स्पेसिफिक लोकेशंस पर पहुँचते हैं ताकि अक्स बंद कर सकें इन खूबसूरत मनाजर को। साल में 2 बार ऐसा होता है ना, वाह 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 वाह। अच्छा वैसे मैं ना ये भी सिलसिले में बता दूँ कि यहाँ देखा क्या जा सकता है, सूरत शहर की ऊँची ऊँची इमारतों के बीच में ऐसा लगता है कि पनाह लिए हुए है। गलियों के जो शिमाली और जनूबी हिस्से हैं ये चमक उठते हैं, दमक उठते हैं, इस सब के बाद ही पहल लगा रहे हैं। शोएब आप चलिए कोई बात नहीं, मैं मज़ीद खबर भी बता देती हूँ। अच्छा, इन दोनों मौक़ों पर ना, यानी यूँ साल में 2 बार, हर बार ऐसा होता है कि कुछ एंगल्स होते हैं जो फोटोग्राफर्स ने सेट किए होते हैं कि हम यहाँ तो लाजमी आएंगे और ये मंज़र महफूज कर लेंगे। जितना अरसा तक ये तस्वीर महफूज रहे, कम अज़ कम तब तक के लिए, याददाश्त में तो ये घर कर ही लेता है। आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल बढ़ना पड़ेगा। वैसे हमने कल क्या हिरन की बात की थी, किरण आपको याद है कुछ कुछ? मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि उसको बाहर निकलने में बड़ी मुश्किल पेश आई थी। अच्छा, मैं वीडियो नहीं दिखा पाई थी कल, तो आज ही हम आपके सामने रखते हैं। अमेरिका में हिरन को घर में दाखिले की कोशिश महंगी पड़ गई, घर के बीच लगे जाली, जो ये इन्होंने यहाँ पे जालियाँ लगाई हुई थी, इसमें वो फंस गई, नेट में फंस गई। जो बैक साइड पे अगर जो हिस्सा है घर का वहाँ पे जाली लगी थी वहाँ फंस गई, लेकिन जो खातून जो नेबर थी उन्होंने देखा और उन्होंने फौरन फिर बताया जो मुतालिका इदारे हैं कि आएँ और इसको बचाएँ, और ज़ाहिर जब वो वहाँ पर अहलकार पहुँचे उसको रेस्क्यू किया वहाँ से, और फिर वो हिरन वहाँ से मुश्किल की जगह पर ना उसने फिर न रुकने का फैसला किया, छू मंतर विदिन सेकंड यहाँ से निकलने के बाद। एनिमल रेस्क्यू सर्विस का ही जबरदस्त काम। एनीवेज बढ़ते हैं आगे, एक और खबर आपके सामने रखेंगे। तो हमने ज़ारा हिरन से मुतालिक एक इंटरेस्टिंग खबर आपके सामने रखी, इंटरेस्टिंग इसलिए कि ज़ारा वो जिस तरह भाग गए बाद में, लेकिन अब आपको बताएं कि दुनिया भर में मसाज इसके अजीबो गरीब रुझानात परवान चढ़ रहे हैं और अब मिस्र में आग का मसाज तेजी से मकबूला है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, कदीम तरीका भी था, यस, लेकिन मैं पाकिस्तान की बात ये करना चाह रहा था कि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि आग से बाल तो काटते हैं, अभी मसाज वाला कोई मामला शुरू नहीं हुआ, बट जिस तरह करना आपने कहा कदीम, तो इसकी खबर दे देते हैं कि चाइनीज मैथोलॉजी में ये सदियों पुराना है। यहाँ तो ये इसको मिस्र में तो फिरौन के ज़माने से जोड़ रहे हैं, लेकिन चाइनीज तरीक़ाकार खासा पुराना। और अब देखते हैं कि वाकई जो आपका पॉइंट था कि ये रिवाज पाता है कि नहीं, ये वायलेंस वायलेंस वाली फीलिंग आ रही है, बंदे को आग ला रहे हो, दरिया नील के किनारे मिस्री माहिर हैं, तन बदन में आग लग गई। अब्दुल रहीम सईद साहब हैं, इन्होंने सेंटर खोला है, अब इसमें आग से मसाज किया जा रहा है। उनके मुताबिक आग से दर्द दूर करने वाला मसाज ज़ारा वो फिरौन के दौर में राइज था, वो ये कह रहे हैं, और अपनी इस टेक्नोलॉजी की बिना पर वो दर्द दूर करने में मारते हैं। एक मिनट,
अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने आज ये करना है तो प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम, मत करें, क्योंकि वो जो कर रहे हैं उसको उनको इसमें महारत हासिल है, आपको नहीं है तो बंदा ना कुछ कुछ स्किन के ऊपर उन्होंने कुछ अप्लाई भी किया है उसकी वजह से, बेबुना लीव्स आई थिंक वो अप्लाई किए हैं लेवेंडर जो भी है, जो भी है अच्छा है, वायलेंस हो गया, आके पढ़ना पड़ेगा। मैं किरण एक बड़ा खूबसूरत जेवर आपको दिखाना है मैंने आज। अच्छा प्लीज। नॉर्मली आपने देखा होगा वो नॉर्मली काले या सफेद धारियों वाला जेवर, ये पोल्का डॉट्स वाला जेवरा। काउ प्रिंट्स तो सुने थे लेकिन ये पोल्का डॉट्स कहां से आए? देखे देखे नहीं, ये रहा जेबरा। लेकिन नहीं है भाई, पीछे असली वाला जो हम देखते हैं अगर हमारे जू में अवेलेबल हो या जरा वीडियोस में, अदरवाइज जो आगे वाला ये पहली बार देख रहे हैं। वाकई इसमें कोई शक नहीं है। तो जिसने पहली बार देखा उसने तस्वीर खींची, यानी फोटोग्राफर ने। जेबरे के एक ऐसे बच्चे की तस्वीर अब मौजे वैस बनी हुई है जो कि पोल्का डॉट्स या चितकबरा कह रहे चले, जो ये सफेद निशान आते हैं और दूसरे जेबरों से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। तो चंद रोज में जाली है। हाँ, जाहिर है वो लग रहे हैं बिल्कुल जाली है। बहुत वायरल हो रही है इनकी ये मुख्तसर जो वीडियोज हैं, वैसे लग बहुत प्यारा रहा, क्यूट सा पालू है। पाला नहीं है, ये पालू है। बड़ा परेशान किया किरण किसको? एक गार्ड को नचा के रख दिया। हवा का दबाव, उसने परेशान किया गार्ड को, हवा का दबाव था, ये गार्ड को पीछे की तरफ धकेल रहा था, लेकिन गार्ड इन्होंने कहा मैं हार नहीं मानने वाला। आप डिज्नी में ये वाकया पेश आया और यहाँ परेड के लिए गुब्बारे लाए गए थे, बस ये गुब्बारे मौजूद थे, गार्ड के लिए रास्ता बनाना मुश्किल हुआ जा रहा था। फिर ये मंजर जो था ना, ये जब अपने कैमरे में कैद किया एक सयाह ने, तो फिर ये सारे के सारे लोगों ने इसको खूब खूब वायरल भी किया। अच्छा, मुझे बचपन से ना ये वाले बलून बहुत पसंद हैं और ये मुझे ये चाहिए। आजकल आप ले सकते हैं लेकिन मुझे ये मुश्किल नहीं चाहिए। नहीं नहीं, अब आज से पता क्यों ये बलून लेके बाहर निकल सकती हैं? हवा नहीं चल रही तो टेंशन की बात नहीं है। ओके, तीन बजे नहीं निकलना, तीन बजे नहीं निकल, रात को भी छींटे पड़े थे वैसे। अच्छा, ये अगर ये हम फुल पे दिखा सके थोड़ा सा वाजे करके तो पॉसिबल है क्या? खैर चलिए, कोई बात नहीं है, अगर आप लोग नहीं दिखाना चाह रहे तो बहरहाल ये, अरे कितने अच्छे हैं आप लोग, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा देखिए, कितनी कितने कितनी महारत से ना ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ना हमें एक पैगाम भी मिलता है। ये डिज्नीलैंड छोड़ दीजिए, परेड छोड़ दीजिए, बलून छोड़ दीजिए, जब आप एक मंजिल पर पहुंचने का इरादा कर लें, जब आप ये सोच लें कि मुझे एक मकाम तक पहुंचना है, ये मेरे काम का हिस्सा है, तो फिर कमिटमेंट डेडिकेशन इस गार्ड को देख के। अच्छा, वैसे मैं ये सोच रहा था कि अगर जरूर ह्यूमरस एथलेट निकाल रहे हैं, क्या पता वो वेट लॉस के लिए निकला हो। वेट, ये कैसी बात, ये मुझे थोड़ा सा तफसील बताएं इसकी, ये क्या है? यू नो, बैलून्स पीछे खींच रहे हैं, वो खुद आगे जा रहे हैं और वो जाहिर है वेट रिडक्शन में हो सकते हैं। वैसे किरण, क्या आपको मालूम है कि फैसलाबाद में कुछ स्टूडेंट्स हैं और वो कदमों से बिजली पैदा कर रहे हैं? जी, बिजली पैदा इस तरह लाइट्स रोशन हो रहे हैं। जी जी जी, ये आपको कुछ विजुअल दिया, देखो चलते जा रहे हैं, लाइट्स रोशन होती जा रही हैं। अच्छा, इससे बड़ा फायदा ये होगा जो घर के अंदर शख्स बैठा है वो समझ जाएगा बाहर कोई गुजर रहा है। अच्छा, मेरे जहन में तो ये आया था, ये बड़ी रोमांटिक सी बात है ना, उसके एक एक कदम से रोशनी फैलती चली गई, वरना तो यहाँ लाइट जा रही होती है। मुझे इसकी तफसील बताए ना। तफसील बताऊंगा लेकिन ब्रेक के बाद बताऊंगा, लेकिन उससे पहले किरण आपको मुझे ये भी पूछना था। मैं आपको बताती हूँ, मुझसे आप कुछ नहीं पूछे, आप मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है पागल को पागल कहो लोग कहते हैं, बड़ी सही बात है, मोटे को मोटा कहो, हाँ भाई ये नहीं कहेंगे। मोटा कहे मुझे? नहीं, मैंने नहीं कहा, मैं नहीं चाहती आपका वजन बढ़े। ये पता है ये बहुत गलत लफ्ज है। मैं इन्हीं रवैयों के ऊपर भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पास आज एक रिसर्च है जो ओबेसिटी से मुतालिक है, तो हम आज कोशिश करेंगे कि हम लोगों के रवैयों के ऊपर बात करें कि किस तरह से वो लोगों की मोटिवेशन खराब करते हैं, किस तरह से वो उन्हें मजबूर कर देते हैं कि वो फिर आगे बढ़े नहीं, अपने लिए कुछ करें नहीं। और किरण, हम देखते भी हैं कुछ टाइम पहले बड़ा इस पर डिस्कशन बॉडी शेमिंग से मुतालिक, तो ये हम अपना बड़ा अच्छा मौजू पिक किया, हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। जनाब, नया दिन में नए सिरे से खुश आमदीद। जैसा कि आपको पता है कि मौसम की अदाएं, बारिशों के नए सिलसिले, और इस सब में जब कराची में बारिश हो रही है तो पानी खड़ा होगा।
और जब पानी खड़ा होगा तो डेंगू हमला करेगा। पहले ही सिंध भर में डेंगू के हमले जारी हैं और अगर कराची की बात की जाए तो यहाँ पर नंबर्स तश्वीशनाक हैं। यहाँ पर रोज़ाना ही डेंगू के पेशेंट्स को लाया जा रहा है और फिर उसमें ऐसे भी वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं कि लोगों की जानें भी जा रही हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले में बात कर सकें, डेंगू की प्रिवेंशन क्या होना चाहिए लोकल सतह पर, सूबे की सतह पर, और फिर लोगों को अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए है। इसी सब के ऊपर बात करने के लिए हमने दावत दी इंचार्ज डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम सिंध डॉक्टर महमूद इकबाल को। बहुत शुक्रिया सर, आप हमको वक्त दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह किरण ने आगाज़ में बारिश से मुतालिक गुफ्तगू की कि सिंध में डेंगू का वार है और क्योंकि बारिशें हो रही हैं, पानी खड़ा हो रहा है, इससे ज़्यादा डेंगू को फलने फूलने का मौका मिलता है, क्या इकदामात किए जा रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। क्योंकि हमें इस बात का पूरा अंदाज़ा था कि अगस्त से लेकर नवंबर तक डेंगू के केसेस में इजाफा हो जाता है, तो मल्टी सेल अप्रोच इस्तेमाल करते हुए हम हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपना कार्रवाई शुरू की है और हमारी रेगुलर जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो कराची में, क्योंकि इस डिज़ीज़ का ज़्यादा बर्डन है, तो हमने काफ़ी सारी टीमें बनाई हैं जो एक तो फ्यूमिगेशन कर रही हैं, जो हमारे हॉट एरियाज़ हैं, हॉट स्पॉट्स हैं, वहाँ पर जनरल स्प्रे हो रहा है। उसके बाद जो हमें पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं उनके घरों पे हम इंडिविजुअल ये IRS की एक्टिविटीज़ कराते हैं, इंडोर रेजिजुअल स्प्रे हर घर में जाके, उसके बाद उस पेशेंट के मोहल्ले में और स्ट्रीट्स में वहाँ जाकर हमारी टीमें फ्यूमिगेशन करती हैं। उसके अलावा जो पानी खड़ा है मुख्तलिफ जगहों में, मुख्तलिफ इलाकों में, वहाँ पर केमिकल्स हैं जो लार्वा सीडल एक्टिविटी हम कहते हैं, मच्छर की अफजाइश को वहाँ वो नहीं होने देता, वो केमिकल्स हमारी टीमें कराची भर में डाल रही हैं जो फ्रेश वाटर जमा है बारिशों का। ये इकदाम तो हमारे फील्ड में हो रहे हैं, उसके लिए हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर्स और KMC का स्टाफ भी ताउन कर रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट का मलेरिया कंट्रोल भी उस पर काम कर रहा है। ये अरेंजमेंट्स हमने किए। फिर उसके बाद हॉस्पिटल्स में हमने कराची में कोई 600 से ज़्यादा डॉक्टर्स को ट्रेन किया है जो हमारी सेंटिनल साइट्स और हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट्स की, इंडोर या OPD के पेशेंट्स की। इंडोर के पेशेंट्स जो एडमिशन हो रहे हैं उनके लिए हमने आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। उसके अलावा जो है हमारे फोकल पर्सनस हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स में और हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केस हमें नोटिफाई हों, रिपोर्टिंग हो, तो हमने अपना सर्विलेंस सिस्टम बड़ा इम्प्रूव किया है। अच्छा, आप इकदामात के बारे में बता रहे हैं क्या क्या कुछ किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो फिगर्स हैं ना, कुछ इसके बारे में भी बता दीजिए। अगर रवा माह की बात की जाए ना तो कराची में डेंगू से 10 से ज़ायद जानें जा चुकी हैं, मज़ीद जानी नुकसान न हो, अब इस सिलसिले में बताइए इससे कैसे बचा जाए? जो ट्रेंड है उनको पता है कि कैसे पेशेंट्स को इंडोर में कॉम्प्लिकेटेड केसेस को ठीक किया जाए, ट्रीट किया जाए। क्योंकि डेथ्स होती हैं जो मरीज लेट हॉस्पिटल पहुंचते हैं या जिसमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं, यानी प्लेटलेट्स ब्लड में कम हो जाते हैं या वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में फिर ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, या बच्चे हों या प्रेग्नेंट वुमन हों या कोई और डिजीज़ उनको हो लाइक डायबिटीज़ और इस तरह के, वो उनमें फिर अमवात का अंदेशा ज़्यादा होता है। तो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को सफिशेंटली ट्रेन किया गया है उन केसेस को मैनेजमेंट करने के लिए। अच्छा, यहाँ मैं लोगों के आवाम के लिए ये बता दूँ ज़रूर कि प्लेटलेट बैग्स की ज़रूरत पड़ती है, जिन पेशेंट्स में अगर प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज करने हों तो वो प्लेटलेट बैग्स जो 25,000 तक की कॉस्ट है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल्स में हम दे रहे हैं, जिन बड़ी अस्पतालों में लाइक सिविल अस्पताल है या JPMC है, तो इवन वो पे हमसे डायरेक्ट रब्ता भी करके ऐसे पेशेंट्स के लिए हम सरकारी अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक सर्विस, टेस्ट भी पेशेंट का फ्री होता है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप इस सिलसिले में हमारे साथ थे, वक्त दे रहे थे। इंचार्ज डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम सिंध हमें बता रहे थे कि इकदामात क्या कुछ किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल कितने इक्विप्ड हैं और ऐसे में अवाम को किन एहतियाती तदाबीर का लिहाज रखना होगा, खास तौर पर ख्याल रखना होगा।
ये तो हमने किरण सिंध से मुतालिक बात की कि जो यहाँ पर सूरत है, लेकिन पंजाब की बात भी कर लेते हैं कि पंजाब में भी डेंगू ने महकमा सेहत को बेबस कर दिया है। फैसलाबाद का अलाइड अस्पताल, यहाँ मज़ीद 5 डेंगू के पेशेंट्स लाए गए हैं। हमारे नुमाइंदा शाहीन शहजादी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी शाहीन, 5 नए पेशेंट्स लाए गए। जो पेशेंट यहाँ पर लाए जा रहे हैं उनमें से ज़्यादा का ताल्लुक जो है वो रावलपिंडी से है। फैसलाबाद के मरीज़ों की बात की जाए तो फैसलाबाद से जो यहाँ के रहायशी लोग थे उनमें उनकी तादाद जो है वो 24 है, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए कि अलाइड अस्पताल में अभी तक कितने मरीज़ लाए गए हैं तो उनकी तादाद 77 तक पहुँच चुकी है। जो अभी इस वक्त अलाइड अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं उनकी तादाद 12 है, जिनमें से डॉक्टर्स का ये कहना है कि जिनकी हालत जो है वो ख़तरे से बाहर है। इस दादे डेंगू की जो इकदाम करने को बोला गया था महकमा सेहत की जानब से शहरों के लिए, जिन्होंने इन पर अमल नहीं किया है उनके ख़िलाफ़ 12 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा जो 2400 मुकामात ऐसे हैं जहाँ से डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ है जिसको तल्फ कर दिया गया है महकमा सेहत की जानब से। स्प्रे भी जारी है, जगह जगह से चेकिंग भी जारी है, लेकिन लार्वा जो है वो मुसलसल बरामद होता जा रहा है। पूरे पंजाब की बात की जाए तो पंजाब भर में जो मरीजों की तादाद है वो 3000 से तजावज़ कर चुकी है और अब तक 9 मरीज़ जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें से एक का ताल्लुक जो था वो फैसलाबाद से था। अभी तक जो मरीज़ हैं अस्पताल में मुसलसल लाए जा रहे हैं, डेंगू लार्वा भी मुसलसल बरामद हो रहा है, जिसके बायस शहरों का ये कहना है कि हुकूमत जो है वो बेबस दिखाई दे रही है डेंगू लार्वा की के सामने। शाहीन, आपने आगाज में कहा कि जो पेशेंट्स लाए गए हैं वो रावलपिंडी से हैं, क्यों रावलपिंडी के पेशेंट्स? क्यों, क्या रावलपिंडी में हॉस्पिटल्स इक्विप्ड नहीं है, ये वहाँ पे कोई मसाइल है, क्या वजह क्या है? जी बिल्कुल, जो यहाँ पर मरीज़ आते हैं उनसे हमारी बात होती है कि वहाँ से ये मरीज़ यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है, बेड दस्तियाब नहीं होते। दूसरी सिचुएशन ये है कि फैसलाबाद के ही शहरी जो हैं वो यहाँ पर काम के सिलसिले में जब रावलपिंडी जाते हैं तो वहाँ पर डेंगू का शिकार होकर वापस फिर यहीं पर आते हैं। बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि वो किसी फ्रिज की दुकान पर काम करता था, कोई मैकेनिक था, कोई एक दिन के लिए दोस्त से मिलने के लिए वहाँ पर गया तो डेंगू का शिकार होकर वापस आ गया, क्योंकि वहाँ पर ये जो वबा है वो ज़्यादा फैली हुई है, तो वहाँ से मरीज़ जो है वो शिकार होकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ का आइसोलेशन जो वार्ड है वहाँ पर चूँकि ज़्यादा जो मरीज़ों को रखा जा सकता है, जगह की गुंजाइश ज़्यादा है, बेड्स भी ज़्यादा हैं, तो अच्छे से उनका इलाज भी यहाँ पर हो रहा है। फैसलाबाद का जो आइसोलेशन वार्ड है अलाइड हॉस्पिटल में, वहाँ पर मरीज़ जो इस वक्त भी है 12 मरीज़ जो हैं वो ज़ेरे इलाज हैं, जिनका चेकअप वगैरह भी किया जा रहा है, लेकिन उनकी हालत जो है डॉक्टर्स के मुताबिक ख़तरे से बाहर है। जी ठीक है शाहीन, बहुत शुक्रिया, आप हमें फैसलाबाद के बारे में बता रही थी और साथ में आपने ये भी एक्सप्लेन किया कि पिंडी से यहाँ पर मरीज़ों को क्यों कर लाया गया। अब चूंकि मैं पहले सिंध की बात कर रही थी, कराची की बात कर रही थी, मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर एक थोड़ी सी हमारे पास तफसील है वो भी नया दिन के नाज़रीन को दे देते हैं। सिंध में डेंगू के वार जारी हैं, हमने बात की, सबसे ज़्यादा मुतासर सिलसिले में कराची है हमने आपको बताया, लेकिन 95% ये हैं वो फिगर्स जिसकी वजह से परेशानी पड़ रही है। तो अब तक कितने मरीजों को कराची में डेंगू ने मुतासर किया है, कुछ इसी की तफसील हम आपके सामने रखते हैं और फैसल खान से मजीद जानते हैं। जी फैसल। हाँ जी, मुल्क तरह सिंध में भी डेंगू की जो मरीज़ हैं उनकी तादाद अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सिंध में सब बात की जाए तो तकरीबन रवां साल में अब तक 2700 के करीब जो हैं केस रिपोर्ट हो चुके हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा केसेस जो रिपोर्ट हुए वो कराची में हुए। 2700 में से जो 95% केसेस हैं वो कराची से रिपोर्ट हुए हैं, और इसमें भी रवां साल में भी जो सितंबर का महीना है इसमें तकरीबन 1300 से 1400 केसेस रिपोर्ट हुए और 5 हलाकतें महीने में यानी सितंबर के महीने में कराची में ही हुई। इस साल जो डेंगू की वजह से जो लोग इंतकाल कर गए उसमें तकरीबन 11 मौत हुई और वो 11 की 11 जो है कराची से उनका ताल्लुक था, जबकि सिंध के दीगर अज़ला में उनकी तादाद 5% है। कराची में इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से कहा जा रहा है, जो डेंगू के सर्विलेंस सेल के इंचार्ज हैं डॉक्टर महमूद इकबाल मेमन, उनका कहना है कि इस हवाले से वो एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में उनकी जानिब से स्प्रे किया जा रहा है, KMC भी अब इसमें इनका साथ दे रही है, इसके साथ साथ मुख्तलिफ अस्पतालों में इनके लिए वार्ड्स बनाए गए हैं जहाँ पर डेंगू के जो मरीज़ लाए जाते हैं उनका फिलफौर जो है इलाज किया जा सके। तो इस वक्त रवां साल में जो अब तक केसेस रिपोर्ट हुए वो 2700 केसेस रिपोर्ट हुए सिंध में, और उसमें एक 95% कराची से जो केसेस रिपोर्ट हुए उनमें से 95% कराची से उनका ताल्लुक था। जी फैसल खान, बहुत शुक्रिया, आप हमें इसके बारे में बता रहे थे। अच्छा, हम बात करते हैं कि डेंगू क्यों फैल रहा है, हम बात करते हैं मलेरिया क्यों फैल रहा है, हम बात करते हैं कि सफाई क्यों नहीं है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि आखिर होता क्या है
کہیں کہیں پر ہمیں اپنا کردار بھی تو نبھانا پڑے گا. میں نے ایک ویڈیو کا انتخاب کیا تھا یہ بات کرنے کے لیے, اب ویڈیو نہ صحیح تو بھی چلے گا, لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ بس جب ہم اقدامات کی بات کرتے ہیں نا, یہ آ گئی جی وہ ویڈیو. قصوروار کون ہے, گندگی کا, صحت کا, صفائی کا, کون ہے کہ جس کو پہلے خیال رکھنا چاہیے؟ یہ 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 بچے جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں نا, یہ کچرے کے آس پاس کھیلتے, کچرے میں کھیلتے, یہ کیا ہے؟ کچرا کھیل رہا ہے ان سے جی. اور ذمہ دار کون ہے یہ, جس طرح کرن آپ نے کہا, یا قصوروار کون ہے؟ ہم ذائق کتنی ایک بات ہے جو اثر رکھتی ہے کہ جب کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے, فنگر پوائنٹ کی جاتی ہے, تو تین انگلیاں اپنی طرف جاتی ہیں. تو وہ تین انگلیاں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جب آپ حکومت کو یا اداروں کو کہتے ہیں, یا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کچرا اٹھایا نہیں جا رہا, تو آپ پھینک کہاں پر رہے ہیں؟ یہ کہاں پہ زور اس لیے ہے کیونکہ آپ جو ڈیزگنیٹڈ پلیس ہے وہاں پر نہیں پھینک رہے, اس باکس تک نہیں پہنچا رہے جس باکس کو اٹھایا جائے گا. وہ بات الگ کہ باکس والے اگر کام نہیں کر رہے, وہ باکس بھی وہاں پر خالی کریں, بٹ آپ خود کیا کریں؟ یہ دیکھیں, یہ دیکھیے, دیکھ لیں, یہ آپ نے بوٹل پھینک دی, یہ طریقہ دیکھ لیں, یہ گلی آپ کی نہیں ہوگی, یہ آنگن آپ کا نہیں ہوگا, یہ علاقہ آپ کا نہیں ہوگا, لیکن صفائی کی ذمہ داری کہیں تو آپ کی اپنی ہوگی, اور اپنی گلی کا حال آپ نے کیا کیا ہوگا. تو یہ ساری کی ساری محنت ضائع ہے کہ اگر آپ اتنی محنت سے کچرا ڈھو کے اٹھا کے یہاں لے کر آئیں اور پھر کچرا ہی پھیلائے, یہ ایفرٹ تو آپ نے خود ضائع کر دی. یہ تو آپ نے خود اپنے ساتھ کر لیا, اپنے بچوں کے ساتھ کر لیا, چھوٹے چھوٹے امراض کو بڑا بڑا مسئلہ آپ نے خود بنا لیا. جیسے کہ ہم دکھا رہے ہیں اس وقت گلی, اور یہ ظاہر ہے بڑی ریلیونٹ اس لیے کہ کراچی میں جو جس طرح کی بلڈنگز ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر چار منزلہ اپارٹمنٹ بھی ہے تو پیچھے یہ گلی ہوگی, بڑے تنگ سی گلی. اگر آپ یہاں پہ آپ کپڑے سکھا رہے ہیں, چلو آپ نہیں بھی گزر رہے, آپ یہاں سے نہیں گزرتے, نہیں جاتے, نہیں گزر سکتے, کوشش کریں آپ نہیں گزر سکتے. لیکن کرن کچرا کون پھینک رہا ہے؟ خود پھینک رہے ہیں, خود کچرا پھینک رہے ہیں, اور کچرا پھینکنے سے وہاں پر اگر بارش میں پانی کھڑا ہو رہا ہے, ڈینگی لاروا وہاں پر پل رہا ہے, تو پھر آپ اس کا شکار ہو کے کہہ رہے ہیں ارے سپرے نہیں ہوا تھا. پھر آپ کے گھر میں مکھیاں آ رہی ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ارے میرے گھر میں مکھیاں کیسے آ گئیں. اگر صرف اور صرف دو کام کر لیں تو یہ کچرے کا ڈھیر نہ لگے. دو چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں. کیا کام ہے میں آپ کو بتاتی ہوں, اس کے بعد آپ قصوروار نہیں ہوں گے, آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے, پھر آپ واقعی اصل معنوں میں اتھارٹی سے سوال کر سکیں گے. دو کام کیا ہے جی؟ پہلا کام یہ کہ اپنے گھر کا کچرا کھڑکیوں سے باہر نہیں پھینکیں, اور جہاں پہ ان کی جگہ ہے وہاں لے جا کر کے اس کچرے کو پھینکیں. دوسرا, 100-100 روپے اکٹھا کر کے بھی اگر یہ ڈھیر صاف کرنے کی کوشش کریں گے, پانچ لوگ, پانچ فیملیز, آٹھ لوگ, آٹھ فیملیز, 10 گھر, گلی ہو گئی صاف, اور پھر اسے آگے صاف رکھنا آسان بھی ہے. پھر ایک بار صاف کرائیں, وہاں پہ چلیں, آپ چونا پھینکوا دیں, اور اس کے بعد آپ اسے مینٹین رکھیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ مناظر نہیں دکھائیں گے, پھر جو آپ نے صفائی کی ہوگی نا, ہم وہ مناظر پورے پاکستان کو دکھائیں گے. چلیں آگے بڑھتے ہیں ذرا, ہم ظاہر ہے اچھا دن ہے نا, کرنی ہوگی ٹورزم, ٹورزم ڈے. تو چلو ان منظروں کے ساتھ چلتے ہیں جہاں پر چاند تاروں کے لیے مٹی میں اترا ہے. حسین نظاروں اور قدرتی حسن سے مالا مال وادیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی سیر کا دن آج منایا جا رہا ہے, یعنی سیاحت کا دن آج منایا جا رہا ہے. پاکستان کے سیاحتی مقامات اپنی مثال آپ ہیں, کیونکہ نہ صرف پاکستانی بلکہ باہر سے بھی لوگ آتے ہیں, اور یو نو اب تو ہم ٹوریزم میں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں کیا ہے تو اب کر لیں, کر لیں, کیونکہ ٹوریزم پہ تو ہم اب بہت کام بھی کر رہے ہیں, اسٹارٹنگ فرام کے پی. ایکچولی ایک رپورٹ پہلے دکھاتے ہیں پلیز, پھر اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں. جناب سیاحت کا دن ہے, ٹورزم کی بات ہے, صرف ایک رپورٹ دکھائیں گے, دو مقامات دکھائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. نہیں ایسا کچھ دکھائیں جہاں پہ کوئی نہ گیا تو پھر میں مانوں آپ کو. تو پھر آپ نے کیا بات کر دی, شاید سلیم ایسے مقام کو کھوج نکالتے ہیں جہاں کوئی نہ جا سکے وہ پہنچ جاتے ہیں, حکومت نہیں پہنچ سکی, کوئی دوسرا گیا ہو نہ گیا ہو وہ ضرور گئے. تو اب اس مقام کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. دنیا بھر میں آج سیاحت کا عالمی دن جا رہا ہے, پاکستان بھی قدرتی حسن سے مالا مال ہے. آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی خوبصورت جگہ کی سیر کرانے جا رہے ہیں جو کراچی سے زیادہ دور نہیں, بلوچستان کے علاقے اوتھل میں ہے. چلتے ہیں اس جگہ پر. زمین پر جنت کا ٹکڑا کہیں تو غلط نہ ہوگا, سفر بھی دلچسپ نظاروں سے بھرا.
کراچی سے 140 کلومیٹر دور بلوچستان کے علاقے اوتھل کی اس حسین وادی کو کہتے ہیں کھڑڑی۔ یہاں کا ہر روپ نرالا ہے، کوئی منظر ایسا نہیں جو دل کو نہ چھوئے۔ پرکشش پہاڑوں پر اگاس وادی کے حسن کو دوبالا کر رہا ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں شفاف پانی کا تال میل بھی یہاں کی دلکشی کو بڑھا دیتا ہے۔ کھلا پانی ہے، بہہ رہا ہے، اور بہت ہم لوگوں نے آج انجوائے کیا ہے یہاں پہ اچھے موسم کو، اور بہت یہاں پہ ہریالی ہے۔ بلا کی خاموشی اور سکون، انسان بس خیمہ ڈالے اور گھر کر جائے۔ صاف ستھری آب و ہوا اور دل فریب نظارے، یہاں کمی ہے بس سہولتوں کی۔ اگر یہاں پر ہٹ بنایا جائے تو بہت اچھی بات ہے، روڈ دیا جائے ہمیں، یہاں پر کوئی مارکیٹ ہونی چاہیے، کوئی ایسے ٹھیے وغیرہ ہونے چاہیے، ہوٹلز، تو بہت اچھا ہوگا۔ پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں کی ندی جو بہتی ہے اس کو ڈیم میں بھی تبدیل کیا جائے، تو یہاں سے جو فصل اور کاشتکاری کرتے ہیں ان کو بھی آسانی ہو سکے۔ اوتھل کا علاقہ کھڈڑی اپنی فطری خوبصورتی کی وجہ سے مشہور۔ دلکش مقامات سے جگمگاتی اس سرزمین پر اس طرح کے بے شمار مقامات موجود ہیں، مگر بلوچستان حکومت کی جانب سے آج تک اس طرح کی سائٹس کو کبھی بھی ایکسپلور کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، ورنہ اس صوبے میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ کیمرامین فیصل آغائی کے ساتھ شایان سلیم، سما اوتھل، بلوچستان۔ واہ واہ واہ، جگہ بھی اچھی تھی، موسیقی کا بھی اچھا انتخاب تھا۔ تو جگہ بھی اچھی ہو، میوزک بھی ہو، ساری سہولت بھی ہو۔ سہولت پہ یاد آیا، کچھ سہولت تو ہونی چاہیے نا اگر میں کچھ ٹرپ پلان کروں، کوئی بھی کوئی ٹرپ پلان کرے۔ یعنی اس سہولت سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ کس سہولت کی بات کریں، ایک یہ کہ وہاں پر سہولیات ہوں یا یہ سہولت کی جانے تک کی سہولت ہو۔ بھائی سیاحت کا شوق ہے تو یہ دونوں چاہیے۔ چاہے فار ایگزامپل ایسے مقامات، کیونکہ ظاہر بے شمار مقامات ہیں پاکستان میں، نارتھ جائیں یا فار دیٹ میٹر بلوچستان بھی چلے جائیں، کیونکہ وہاں پہ فیسلٹیز کچھ بہتر ہونے، کہیں پہ چلے جائیں، کہیں جانے کا پلان کرنا، آپ نے ٹائم مل رہا تھا ضرور پلان کریں۔ تو وہاں جانے کے لیے اگر آپ کو ہوٹل بک کرانا ہے تو اس کا انتخاب کرنا بڑا ایک دلچسپ مرحلہ، میں نہیں کہوں گا اسے ایک چیلنجنگ مرحلہ کہوں گا، کہ وہ ہوٹل وہاں سے قریب ہو جہاں آپ جانا چاہ رہے ہیں، یعنی جہاں آس پاس آپ اسپاٹس پر وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہ یہ چیلنج جو ہے دور ہو جائے، مجھے لگ رہا ہے چیلنج دور ہو سکتا ہے، اس پر کام ہو رہا ہے۔ ایک ویب ہے جی بتوتہ کے نام سے، بتوتہ جو ہمیں ابن بتوتہ بن کے سیاحت اور گھومنے پھرنے میں مدد دے گی۔ بتوتہ.pk ویب پورٹل کس طریقے سے کام کر رہا ہے، ہمیں جوائن کیا ہے نوین اور طلحہ نے۔ ویلکم ٹو نیا دن، کیسے ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، تھینک یو سو مچ شعیب فار انوائٹنگ، تھینک یو سو مچ۔ نوین، ہم تو روزانہ خبریں شیئر کرتے ہیں، پروڈکشن یونٹس بند ہو گئے، لے آفس ہو رہے ہیں، یہ انڈسٹری بند، وہ مسئلہ، اکانومی کرائسس، ایسے میں ایک نئی کمپنی سیونگز نہیں ہے تو پھر کوئی ویکیشنز کیسے پلان کرے گا؟ یہ کس طرح سے آپ لوگوں نے کر دکھایا؟ دیکھیں شعیب، یہ کہنا تو مطلب غلط ہی ہوگا کہ اس وقت پاکستان میں سب کچھ بند ہو گیا۔ اگر بند ہو گیا ہوتا تو یہ سمجھ لیں کہ سب کے گھروں میں فاقے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ابھی بھی میں جب کسی کراچی یا لاہور، اسلام آباد یا کسی اور بھی جگہ پہ آپ دیکھیں تو ماشاء اللہ سے مجھے لگتا ہے کہ انڈسٹری گرو کر رہی ہے۔
इंडस्ट्रीज में जो मशीनें बंद हो चुकी थी वो दोबारा से लाके मतलब आप एक नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं. बेसिकली किसी भी माहौल में किसी भी टाइम पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप कितने अपॉर्चुनिस्ट हैं और कितना आपका विजन है. सो हर माहौल में, और पाकिस्तान तो मुझे लगता है कि दुनिया में इट्स अ ब्लेस्ड कंट्री, मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है. अच्छा नवीन, वैसे आपकी इस बात से मैं जरूर इसमें ऐड करूंगा कि हम देख रहे हैं प्रायोरिटी भी गवर्नमेंट की, स्पेशली केपी गवर्नमेंट. बिल्कुल बिल्कुल. देखें मेरे ख्याल से कि अगर मैं इसमें क्रेडिट दूँ इस गवर्नमेंट को, पीटीआई को, रिस्पेक्टेड इमरान खान को, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा. बतूता के लिए सबसे पहली इंस्पिरेशन जो थी वो इमरान खान, और इमरान खान साहब की स्पेशली जो उनका टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, मतलब आई थिंक ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये हुआ है कि ये विजन मिला भी और इस पर काम हो मिला. यू नो आपके दुनिया भर में एक आपकी टूरिस्ट इंडस्ट्री आपकी इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, और ये और बेहतर हो सकता है जब सहूलियात बेहतर हो. किरण ने भी कहा. तलहा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा. बतूता डॉट पी के वेब पोर्टल, अभी ज़रा एप्लीकेशन आपने लॉन्च नहीं की, वेब पे आप लोग अभी इस पर ऑपरेशनल हैं. हाउ डज इट वर्क, और ये कैसे आसानी है उस टूरिस्ट के लिए जिसने प्लान करना है? जो जो उस वेब के ऊपर आता है उस सब के लिए ये वेब इतना अहम पैगाम, खुला पैगाम कैसे दे पाती है कि घबराना नहीं है, वी आर हियर. देखिए हमारा एम है कि हम इसको एक वन स्टॉप ट्रेवलर्स के लिए एक सॉल्यूशन के तौर पर क्रिएट करें, और ना कि सिर्फ होटल्स बल्कि हमारे आगे कुछ और फेजेस भी हैं जिसको हम लॉन्च करेंगे. अभी हमारे पास नॉर्थ टू साउथ हमारे पास रेंज ऑफ होटल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो हमारे पोर्टल पर लिस्टेड हैं, और एक बेनिफिट कंज्यूमर्स के लिए ये है कि हमने हर होटल पर्सनली विजिट करके इसको वेरीफाई किया. ओके, तो इट्स अ गुड थिंग कि आपको जो है ना वहाँ जाकर कोई सरप्राइज वेरीफाई किए हैं. टोटल हमारे पास अभी ओवर 350 होटल्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, राइट, जिसको वी आर अप्रोचिंग कि आप वो लोग अपना डेटा जो है वो अपडेट करें हमारे पोर्टल पे, और इसी तरह से जाहिर है जिस तरह वो डेटा अपडेट होता जाएगा कंज्यूमर जो है उसको आके बुक करवा सकते हैं. और इट्स नॉट ओनली अबाउट होटल्स, हमारे पास वीडियोज़ भी हैं, हमारे पास ब्लॉग्स का कॉन्टेंट भी है, और वंडर क्लिक्स भी हैं. काफ़ी चीज़ें हैं जो कि ट्रैवलर को वहाँ जाने से पहले चीज़ों के बारे में उसको जान पहचान होनी चाहिए, ईजी हो सकता है उसका ट्रैवल. दूसरे वेब पोर्टल और एप्लीकेशन से कैसे मुनफरिद है, नवीन, लास्ट कमेंट. अच्छा, किस तरह से मुनफरिद है? एक तो सबसे पहले कि इट्स अ वेरी इजीली एक्सेसिबल, मतलब जस्ट इन 3 मिनट्स यू कैन बुक योर ट्रिप, और वेरी सून इंशाल्लाह एज वी एज तला मेंशन्ड इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग. सो जैसे ही हमारे पास बाकी सर्विसेज इन हो जाएंगी जिसमें यू नो फ्लाइट भी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उसके बाद एप्लीकेशन लॉन्च होगी और फिर एप्लीकेशन तो इंशाल्लाह वेरी 3 to 4 months जैसे ही हम अपनी नेक्स्ट सर्विसेज इंडोर्स कर देंगे और हम ऐप को लॉन्च कर देंगे. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे. हमें क्विकली ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ. वेलकम बैक. टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचाने की लगन. फैसलाबाद में इंजीनियरिंग के 2 स्टूडेंट्स ने इंटेलिजेंट स्ट्रीट लाइट्स सिस्टम तैयार कर लिया. इंसानी कदमों से गली मोहल्लों को रोशन करने वाला ये निज़ाम है क्या? पहले रिपोर्ट दिखाते हैं फिर आपको इन स्टूडेंट से बात भी कराएंगे. मुझे बात करनी है. ओके, इतना रोशन आइडिया, इतना प्यारा आइडिया. चले, आसिम और नबील हमारे साथ हैं. वेलकम टू नया दिन. कैसे हैं आसिम? पहले आप मुझे बताएं ना, आप दोनों ने ये सिस्टम बनाने का आइडिया, ये सोच, ये कहां से इंस्पिरेशन इसके लिए आपने? मैं और मेरा दोस्त एक दिन रेस्टोरेंट से रात को 12 बजे घर आ रहे थे, तो रास्ते में मैंने नोट किया कि जो लाइट्स रोड लाइट्स हैं वो बिला वजह ऑन है. कोई ट्रैफिक नहीं थी, कोई मूवमेंट नहीं थी, कोई बंदा मूव नहीं कर रहा था. तो उससे हमने ये आइडिया पिक किया कि हम क्यों ना इधर कोई ऐसी डिवाइस इंस्टॉल कर दें जिससे लाइट्स तब ही ऑन हो जब इनकी ज़रूरत है. तो उसी दिन से हमने इसके ऊपर वर्किंग शुरू. अच्छा, ये बताएं कि कितना अरसा लगा इस सिस्टम को मुकम्मल करने में? इस सिस्टम पे जैसे मैंने बताया कि उसी दिन से हमने वर्किंग स्टार्ट कर दी थी. इस सिस्टम को मुकम्मल करने में हमें 6 मंथ लगे. उसी दिन से हमने इसके जो जो सेंसर यूज़ होंगे, जो जो मॉड्यूल यूज़ होंगे, और जो जो इसके लिए हमारे कंट्रोलर यूज़ होंगे, हमने उसी दिन से इस पर स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था. इनमें से कुछ सेंसर्स हमने बाहर से इंपोर्ट करवाए, कुछ मॉड्यूल बाहर से इंपोर्ट करवाए. सेंसर्स हमने केले केले को डीपली स्टडी किया, उनको टेस्ट किया. इनमें से कुछ सेंसर थे जो हमारे मुताबिक रिजल्ट नहीं दे रहे थे, तो हमने क्या किया, एक सेंसर
को छोड़ा, दूसरा सेंसर पकड़ा, फिर हमने एक एटलीस्ट हमने एक सेंसर बाहर से इम्पोर्ट किया जो माइक्रोवेव डॉट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करता था, उसको हमने डीपली स्टडी किया, उसको हर तरह से टेस्ट किया, हर टेम्परेचर पर टेस्ट किया, तो हम इस नतीजा पे पहुंचे कि अच्छा। वो सेंसर जो परफेक्ट है इस सिस्टम के लिए हमने अच्छा। उसको यूज़ किया। थोड़ा सा तो आपने बताया हमें सिस्टम के मटेरियल के बारे में, थोड़ा सा अगर और ब्रीफ करना चाहें सिलसिले में तो कीजिए, और ये भी बताइएगा कौन सा प्रोग्राम इस्तेमाल किया, कितना खर्चा आया, ये सब कुछ कैसे मुमकिन बना पाया आप लोग, और ये काम कैसे करता है? इसमें हमने जो प्रोग्राम यूज़ किया है वो है C++ लैंग्वेज में। हमने अकेला अकेला इसका लॉजिक पहले डेवलप किया, फिर हमने इसको कंपाइल किया, अकेली अकेली लाइट्स को हमने टेस्ट किया, फिर हमने एक जो हमारे सिस्टम में खास बात ये है कि हमने एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम डेवलप किया जिससे हम मल्टीपल फंक्शन ले सकते हैं, लाइक हम इसे मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं या अपने एक डिज़ायर पैटर्न से चला सकते हैं कि हमने एक सेंसर के साथ दो लाइट्स ऑन करवानी है, तीन लाइट्स ऑन करवानी है, वो सारा कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और इसकी प्रोग्रामिंग और इसके ऊपर जो टोटल खर्चा हमारा आया है, प्रोग्रामिंग तो हमने खुद लिखी इसकी A to Z, और टोटल जो इसके ऊपर हमारा खर्चा आया है वो 2700 है। ये काम ऐसे करता है, ये जो माइक्रोवेव डार्क सेंसर हम यूज़ कर रहे हैं ये कंटिन्यूसली वेव्स को थ्रो कर रहा होता है जो कि आगे स्ट्राइक करके सेंसर को रिसीव हो रही होती हैं, और सेंसर उसको उसका टाइम ऑफ फ्लाइट नोट कर रहा होता है। जैसे ही हम ये चीज़ सेंसर नोट करता है कि दरमियान में कोई ऑब्जेक्ट आया है, उसका जो वेव्स का टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कम हो जाता है, सेंसर को पता चल जाता है कि इधर कोई मूवमेंट हुई है, कोई ऑब्जेक्ट आया है, तो सेंसर उसके कोरोस्पोंड एक सिग्नल जनरेट कर देता है जो हमारे सेंट्रल कंट्रोल यूनिट के पास आता है। उस कंट्रोल यूनिट से आगे एक्शन लेना होता है कि हमने दो लाइट्स ऑन करवानी है या चार लाइट्स ऑन करवानी है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है या सिस्टम पे डिपेंड करता है, किस लोकेशन पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा नबील, आप ये बताएं मुझे कि क्या दिन के वक्त भी सिस्टम चलता रहेगा या सिर्फ रात को, क्योंकि अगर दिन को चलेगा तो फिर बिजली की बचत तो ना हुई? बिल्कुल, ये सिस्टम सिर्फ रात को ही एक्टिव होगा। नॉर्मली okay. आपने देखा होगा कि कॉलोनियां और टाउन जो हैं उनके अंदर लोग मैन्युअली जाके रात को जब जैसे ही रात होती है तो ब्रेकर ऑन करते हैं, और जैसे सुबह होती है तो एक ब्रेकर को ऑफ करते हैं। ये अच्छी खासी ड्यूटी है। हमने इसके ऊपर रिसर्च के बाद एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जो कि जैसे ही सूरज गरूब होगा इन लाइट्स को खुद ही ऑन कर देगा, और जैसे ही सूरज तलू होगा इन लाइट्स को ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा। अच्छा, क्या इस सिस्टम को सिक्योरिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा कर सकते हैं? इन लाइट्स को हम सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इन लाइट्स को जिस जगह पे इंस्टॉल करेंगे वहाँ पे जब कोई मोशन नहीं होगी तो कोई लाइट भी ऑन नहीं होगी, जैसे ही कोई बंदा या कोई चीज़ इस रिडार में इस चीज़ में एंटर होगी तो ये लाइट्स ऑन हो जाएंगी। और अब घर के गैरेज देख लें, घर के गैरेज में अंधेरा होता है, जैसे ही कोई अगर बंदा गेट को पास करता है तो ये लाइट ऑन हो जाएंगी, जिससे उसको पता चल जाएगा कि मेरे घर में कोई बंदा एंटर हुआ है। या हम इसमें एक ऐसा काम भी कर सकते हैं, हम इन लाइट्स को ऑन करने के कोरिस्पोंडिंग एक ऐसा सिग्नल जनरेट करवाएंगे जो कि अंदर मैसेज भेज देगा या कोई बेल या कोई रिंग कर देगा कि मेरे घर में कोई एंटर हो गया। नबील और आसिम, बहुत शुक्रिया, मौजूद थे और इस सिस्टम से मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे और किस तरीके से सिस्टम काम करता है, सिक्योरिटी के लिए कैसे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। और आपने मुझे रिपोर्ट नहीं दिखाने दी थी। मैंने आपको रिपोर्ट नहीं दिखाने दी, अभी भी दिखाने नहीं देंगे, तफसील से बात कर रहे थे ना। चलें ठीक है, पर तफसील में बात करें तो अच्छा जी, मेरे पास एक और मौजू था वैसे, ओके, जिस पे मुझे लगता है कि हमें खास तौर पर और लाजमी बात करनी चाहिए। आपको पता है ऐसा लगता है कि जब जब कराची में मैच आता है ट्रैफिक आता है, जैम हो जाता है, ऐसा होता है ना, लेकिन क्यों ना आज हम इस सिलसिले में भी बात करें कि ऐसा नहीं होगा। प्लानिंग की गई है, इजलास बुलाए गए थे, काफ़ी कुछ हुआ है इस सिलसिले में, और अगर कहीं पर खुदाना खास्ता ट्रैफिक जैम हुआ तो फिर इस सब को केटर करने के लिए और मुसाफिरों को परेशानी नहीं हो, उन्हें सारे के सारे रास्तों से आगाह रखा जाए, इसके लिए भरपूर तैयारी की गई है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से, उन्होंने बहुत वर्किंग की है। जबरदस्त जी, तो DIG ट्रैफिक जावेद मेहर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, वेलकम टू नया दिन सर, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, आई एम फाइन थैंक यू। सर आप इतना मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह करे सारे ट्रैवलर्स पूरा दिन इसी तरह मुस्कुराएं इंशाल्लाह। अगर उनका वास्ता और उनका इंटरेक्शन जो है ना वो आपके डिपार्टमेंट के लोगों से हो तो वो भी इसी मुस्कुरा रहे हो जी, मैंने भी इतनी खुश अखलाकी हो। मैंने उनको जो पहली ब्रीफिंग दी है उसमें सबसे पहली बात यही की क्या है, बात है कि जी आप लोगों के साथ खुश अखलाकी से पेश आए, आधे मसले पोलाइट रहे, सही ठीक है, और उनको हेल्प करें। तो जो पहला पॉइंट था मेरी ब्रीफिंग का
वो उनके लिए यही था कि जो शायकीन मैच देखने के लिए आ रहे हैं वो एक फेस्टिव मूड में आते हैं और उस मैच को इन्जॉय करने के लिए आते हैं, तो हमारी तरफ से हर मुमकिन तावन उनके साथ हो और उनका एक एटीट्यूड ऐसा हो कि जो उनको उसमें एक गर्म जोशी हो, उनको गाइड करने का एटीट्यूड हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप इस दफ़ा रवैये में पहले से और भी ज़्यादा बेहतरी देखेंगे। और ये कि ये बड़ी ज़्यादती होगी अगर हम सिर्फ ये कहें कि आपके डिपार्टमेंट के लोग थोड़ा गुस्सा कर जाते हैं, क्योंकि शहरी भी ऐसा करते हैं। तो क्या आज ऐसा शहरी जिसने बिला वजह गुस्सा किया उसको छुट्टी मिलेगी या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, इसकी इजाज़त पता ही नहीं दी जाएगी आज भी? नहीं, देखिए मैं आपको एक बताऊँ, वैसे भी जो है वो जो भी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हों चाहे हमारे कॉन्स्टेबल्स हों, जो जितने पुलिस पर्सनल हैं, वो बड़े सब्र तहमुल का मुजाहरा करते हैं ऐसे मौक़ों के ऊपर, ख़ास तौर के ऊपर। और ये हमारी एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग का हिस्सा भी होता है कि हमने कोशिश यही करनी होती है कि अपने आप को प्रोफेशनली कंडक्ट करें, और उसमें अगर कोई लोग हमारे साथ बहस करते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम उनको गाइड करके उनको हेल्प करें और अपने गुस्से को कंट्रोल करें और लोगों को भी ये समझाएं कि इस मौके के ऊपर कभी डिले हो जाता है, कोई देर सवेर हो जाती है, तो वो भी तहम्मुल का मुजाहरा करें, वो भी खुश दिली से सूरत हाल को कबूल करें और फिर अपने इशू को रिजॉल्व करें। एग्जैक्टली सर, थोड़ा सा प्लान से मुतालिक भी बता दें कि स्टेडियम रोड को आने वाले जो रास्ते हैं उसमें कौन से रास्ते बंद, कौन से मुतबादल रास्ते हैं, और क्या आप सजेशन देंगे ट्रैवलर्स को? जी बिल्कुल, जो हमारा ट्रैफिक प्लान है उसमें दो रास्ते मैच की ड्यूरेशन के दौरान यानी दोपहर 12 बजे से लेके तकरीबन रात 12 बजे तक बंद रहेंगे। उसमें शारा फैसल कासास टर्निंग से लेके राइट अप टू हसन स्क्वायर जो पूरा रास्ता है ये बंद रहेगा। राइट उसके अलावा जो मिलेनियम से डालमिया रोड आता है राइट अप टू स्टेडियम ये बंद रहेगा। इस लेकिन जो शायकीन मैच हम सर सॉरी बात करते हैं, हम साथ साथ स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, आप भी चैनल को देख के एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ अलादीन पार्क लिखा हुआ उसके नीचे जो पॉइंट है वो मिलेनियम राउंड अबाउट है। मैं बस कुछ इस तरह बता देता हूँ कि जो रोड्स ऑरेंज में मार्क हैं ये सारे रोड बंद रहेंगे। ओके, कम्प्लीटली बंद हो, कम्प्लीटली बंद रहेंगे। लेकिन इसमें ये सारे रोड्स बंद हैं इस तरह से, तो जी मैं थोड़े का मौका दे दें, इसमें यही है कि जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं और जो मैच देखने के लिए आ रहे हैं उनको एंट्री अलाउ होगी और वो अपना टिकट दिखा के अंदर दाखिल हो सकते हैं। मैं थोड़ा प्लान पूरा एक्सप्लेन कर दूं तो आपके लिए आसानी रहेगी। जो लोग मैच देखने के लिए आ रहे हैं उनके लिए तीन एंट्रीज हैं जहां से वो दाखिल हो सकते हैं, एक मिलेनियम मॉल वाली साइड से, और वहाँ से वो अपना टिकट दिखा के अंदर आ सकते हैं जहाँ पार्किंग एरिया मौजूद है, और वो अपनी गाड़ी पार्क करके शटल सर्विस के थ्रू स्टेडियम तक आ सकते हैं। राइट, उसके अलावा जो लोग यूनिवर्सिटी रोड से आ रहे हैं उनके लिए एक्सपो सेंटर की पार्किंग अवेलेबल है और उर्दू यूनिवर्सिटी की पार्किंग अवेलेबल है, वो वहाँ पे आएंगे और अगर उर्दू यूनिवर्सिटी में गाड़ी खड़ी करते हैं तो वहाँ से शटल सर्विस उनको लेके आएगी, एक्सपो सेंटर से तो वॉक करके आ सकते हैं। राइट, जहाँ से सिक्योरिटी चेक के बाद वो पैदल जा सकते हैं। राइट, जो लोग एल्डरली सिटीजन हैं उनके लिए हाईएस्ट वैंस इस तरह की शटल भी अरेंज की गई है ताकि उनको आगे लेके जा सकें। जो लोग आगा खान हॉस्पिटल की तरफ से आ रहे हैं उनके लिए जस्ट अपोजिट टू आगा खान हॉस्पिटल बेगम राना लियाकत अली कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज, वहाँ की पार्किंग अवेलेबल है। एक बात मैं खास तौर पर बता दूं कि हॉस्पिटल आने वाले अफराद को किसी किस्म के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनके लिए हर मुमकिन हमने ब्रीफ किया हुआ कि PSL के वक्त में हम देखा वो रास्ता खुला हुआ था। बिल्कुल रहेगा, बड़े हॉस्पिटल से वहाँ। एग्जैक्टली बिल्कुल ये, और पार्किंग एरियाज में भी ट्रैफिक का स्टाफ मौजूद होगा जो लोगों को प्रॉपरली गाड़ियाँ पार्क करवाने में पूरा हेल्प करेगा ताकि जो ऑर्गेनाइज पार्किंग हो और जब वो मैच देखने के बाद वहाँ से जाएं तो उनको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। सही जी, और जो हमारे इन रोड्स को बंद करने की वजह से जो ट्रैफिक का प्रेशर आएगा उसमें मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कहना चाहूँगा कि लोग ट्रैफिक का जो सिचुएशन है उसके बारे में अपडेट रहने के लिए हमारा एक रेडियो है FM 88.6 उसको मुसलसल सुनते रहें ताकि वो ट्रैफिक रहेगा वो ट्यून कर लेता हूं। कर लें जी बिल्कुल, देखें उसका बिल्कुल फ़ायदा होता है। और दूसरा ये है कि चूँकि एक रोड बंद होगा तो शारा फैसल के ऊपर ज़रा ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से लियारी एक्सप्रेसवे को भी यूज़ किया जा सकता है। जो लोग तैयार तो रहा ही जा सकता है सबसे पहले। नेचुरली है हाँ, उसके अलावा जिन लोगों ने कारसाज रोड को यूज़ करना होता है वो उसके ऑल्टरनेट के तौर पर राशिदनास रोड को यूज़ कर सकते हैं, और जो शहीद मिलत का रोड है उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो जो ये कारसाज रोड बंद करने की वजह से जो ट्रैफिक का फ्लो है वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो जिन लोगों ने जो रूटीन जो कारसाज रोड को इख्तियार करते हैं वो अगर इन रोड्स को यूज़ करेंगे तो उनको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होगा। और ज़्यादा अपडेट रहने के लिए आप हमारे इस रेडियो को सुनते रहेंगे। रेडियो को सुनेंगे तो गूगल बाजी को सुनना नहीं पड़ेगा। ये बड़ा चल, मुझे ये बताएं सर, आपने खुद का जो रेजिडेंट्स हैं या उसके अलावा अपने हॉस्पिटल्स की बात किया जो उनके पास टिकट्स हैं वो ज़ाहिर है वहाँ से गुजर सकते हैं उन रस्तों से, कोई अगर उन
स्टेडियम के आसपास जॉब करते हैं, जैसे हमने देखा पीएसएल में एक बड़ी वायरल वीडियो आई थी कि वो उसकी जॉब थी और वो नहीं पहुंच सका था, ऐसा भी होगा किसी के अगर जॉब वहां पे कोई जाना चाह रहे हैं वहां पे उसे जाने दिया जाएगा और नहीं नहीं जा सकते? नहीं नहीं बिल्कुल, जो रेजिडेंट्स हैं जो वहां पे काम करते हैं उनकी वो उसी वक्त कोई ना कोई आईडी चेक करके उनको वहां पे अलाउ कर दिया जाएगा। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस एरिया में कितनी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पे, ऑफिसेज हैं वहाँ पे, यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, कॉलेजेस हैं वहाँ पे, नेवी के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के इदारे हैं, प्राइवेट बिजनेसेस हैं। पिछली दफ़ा पीएसएल के दौरान 8 दिन का मैच था, मैं समझता हूँ कि उसमें कोई एक आध इंसिडेंट कोई ऐसा हो सकता है, लेकिन अदरवाइज प्लान अच्छा था। मुझे किरण आपकी बात करते हैं, उसमें से ये बता दें मुझे कितने अहलकार तैनात हैं इस सारे प्लान पे, इस ट्रैफिक की रवानी को बेहतर रखने के लिए? जी टोटल ये तकरीबन 2000 के करीब ट्रैफिक अहलकार इसके ऊपर तैनात हैं। उसके अलावा हमारी तकरीबन 150 के करीब मुख्तलिफ कैपेसिटी में गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स हैं कि जो भी लगाई गई हैं ताकि वो वहाँ पर ट्रैफिक के फ्लो को भी नॉर्मल रखें और लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, ट्रैफिक की रवानी को कायम करने के लिए अपना काम करें। ये 2000 अहलकार और आपका डिपार्टमेंट, जब आधा शहर, पूरा शहर या बहुत सारे शहरी जाके मैच देख रहे होंगे, आप लोग हमारी ही आम आदमी की ही खिदमत पर मामूर होंगे, आप चाहें तो कोई पैगाम दे सकते हैं आप इस सिलसिले में? जी, लोग आपको सुन रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि इस मौके के ऊपर वो एक फेस्टिवल आए और अपने टेम्पर को भी कंट्रोल में रखें और जो ट्रैफिक प्लान दिया गया है उसके बारे में उसको फॉलो करने की कोशिश करें, और अगर कहीं पे उनको किसी वजह से किसी ट्रैफिक कंजेशन का सामना करना पड़ता है तो उसके बारे में ज़्यादा अपसेट ना हो और हमारी पूरी कोशिश यही होगी करने से पहले सोच लें और कोई भी बात ऐसी है तो जितना वो इस चीज़ को एंजॉय करना चाह रहे हैं मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा हमने तैयारी की हुई है और हमारी पूरी कोशिश यही होगी इस माइंड सेट के साथ कि जो लोग इस मैच को देखने के लिए आ रहे हैं वो भी इसको एंजॉय करें और जो लोग इस मैच को नहीं देख रहे हैं या वैसे ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारा ट्रैफिक प्लान इस चीज़ को भी कैटर कर रहा है कि बाकी शहरी जो है उनको भी हर मुमकिन फैसिलिटेट किया जा सके। तो यही मेरा मैसेज है, तो आई होप कि तमाम इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ना देखें, लार्जर इंटरेस्ट को देखें कि जब पाकिस्तान ने एक मैसेज देना है विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी, विद रिस्पेक्ट टू ऑल द प्लान्स, तो फिर हमने साथ देना है इदारों का। डीआईजी ट्रैफिक जावेद मेहर साहब, बहुत शुक्रिया आप थैंक यू में हमारे साथ थे, विश यू लक। तो भाई मूड अच्छा रखिए और कोशिश कीजिए कि जो फेस्टिविटी है वो कायम रहे। ये दो तरफ से है, जो उनका डिपार्टमेंट काम कर रहा है और जो मालूमात आपके लिए, उसको हासिल करना और उसके ऊपर अमल करना, उसकी मालूमात होना बहुत जरूरी है। एफएम आप बिल्कुल ट्यून इन कर लें ताकि आपको हो जाए। एनीवेज एक खबर आ रही है, अहम खबर आ रही है लाहौर से, मॉडल टाउन कचहरी, यहाँ मगरमच्छ और सांप रखने का केस। वो वीडियो याद होगी आपको जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी ये सब अजदहे तुम्हारे लिए हैं और मैं तैयार हूँ, हम लोग तैयार हैं। इसके ऊपर ही जो मुतलका महकमा था उन्होंने फिर इसके ऊपर कार्रवाई की थी और इस सिलसिले में केस भी हुआ था। तो अब जनाब पेशे का मामला है और रावी पीरजादा इस सिलसिले में कहाँ है जी? काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी उनके जारी किए गए, ये होगा। शाहिद हुसैन हमारे रिपोर्टर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। शाहिद हुसैन बताइएगा इसकी तफसील। जी ये जो रावी पीरजादा है इनके खिलाफ महकमा वाइल्ड लाइफ, उन्होंने एक चालान जो है वो सबमिट किया था जिसके अंदर ये एक्यूज बनाई गई थी, जो है आज अदालत में पेश नहीं हुई। उनकी जानिब से एक वकील ने अपना वकालतनामा जमा कराया लेकिन अदालत ने ये कहा क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग है पहले का पेश होना जरूरी है, तो अदालत है उन्होंने आज जो रावी पीरजादा पेश नहीं हुई इस वजह से काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी उनके जारी कर दिए हैं और 11 अक्टूबर जो समाप्त की तारीख को पेश होना होगा। बहुत शुक्रिया शाहिद, आप हमारे साथ थे और इस बारे में बता रहे थे। तो जनाब अब हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की कि जो हमारे रवैयों से जुड़ा है। हम बहुत सारे मामलों को बहुत कैजुअल लेते हैं, लोगों को टोक देते हैं, उनके नाम रख देते हैं, लेकिन इससे हम हंसने मुस्कुराने का कोई मौका फराहम नहीं करते। ये जो तंज के निश्तर हैं ये लोगों के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा कर देते हैं। और समटाइम्स आपके अपने फैमिली मेंबर के लिए, आपके सबसे प्यारे रिश्ते के लिए, आपके स्पाउस के लिए कितना मुश्किल हो जाता है आपका एक जुमले की वजह से उस मसले को हल करना जो कि हल करना आपको सपोर्ट करना चाहिए। नाम रख दिया, उसका कोई टाइटल रख दिया, या सिर्फ नाम और टाइटल नहीं भी रखा आपने, कोई इतना ही कह दिया तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते या कर सकती, तो उससे आपने उसको डीमोटिवेट कर दिया, तंज भी किया डीमोटिवेट भी किया। हम बात कर रहे हैं आज
obesity की, अगर कोई शख्स obese है और आप ज़ाहिर है आप उसका भला चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो अपना वज़न कम करे, क्योंकि हेल्थ रिस्क कम करने की ख्वाहिश ज़ाहिर आप सबकी होती है कि आपका भी ये हेल्थ रिस्क का कम हो और जो आपका प्यारा है, आपका फैमिली मेम्बर, दोस्त है, कोलीग है, उसका भी हो, तो ऐसे में आपने करना क्या है? वो जो कि हम कर रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं करना, जैसे कि मजाक उड़ाते हैं, मजाक में कोई बात कह जाते हैं, कोई जुमला अदा कर जाते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा मामला जुड़ा हुआ है साइकोलॉजी से. तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आयशा मोतीवाला ने हमें ज्वाइन किया है इसी अहम मसले पर. आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, सेहत कहानी से आपका ताल्लुक है, आज हम इनसे सिलसिले में बात कर सकें, क्योंकि ये जो एक एक मामला है ना कि किसी को हम बड़ा कैजुअल लेते हैं. मैं सवेरे भी कह रही थी और शुएब एतराज़ कर रहे थे कि ये किस तरह की बात कर रही हैं आप, लेकिन वाकई लोग ऐसे ही करते हैं. मोटे को मोटा कह दिया तो क्या गया, ये तो हमने ठीक किया. ये जो हमारा कैजुअल सा रवैया है और ये जो हम जिसको समझ रहे हैं हमने हक बात कर दी, ये हमने क्या कर दिया, ख़ासतौर पर उस शख्स के लिए कि जिसका वज़न थोड़ा बढ़ा हुआ है. आपने बिल्कुल सही बोला. थैंक यू. तो पहले आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर. And also, I'm not a doctor. I'm a psychologist. ठीक है. Secondly, आपने बिल्कुल सही बात करी कि हम some person who's obese, he's already going through so much, right? उनके वो already they're struggling with. You don't know what they're struggling with. You don't know how physically, mentally they're struggling. आपको नहीं पता कि वो कितनी कोशिश कर रहे हैं कि वो उस प्रॉब्लम से कॉम्बैट कर सकें. उसके बाद एंड देन यू से थिंग्स लाइक दैट, इट रियली टेक्स अ हिट टू देयर सेल्फ इस्टीम, राइट? उनकी सेल्फ इस्टीम है, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस इतनी ज़्यादा हिट कर जाती है कि इट रियली उनका दे स्टार्ट यू नो इंटरनलाइजिंग ऑल दीज थिंग्स, यू स्टार्ट सेइंग टू देम. हिम्मत हार देते हैं, वो कहते हैं जो भी चल रहा है जैसा चल रहा है हो लेने दो. Exactly. और इसकी वजह से उनके लिए रिस्क बढ़ जाते हैं, रिस्क इस तरह से भी बढ़ते हैं. इट्स अ साइकिल, यू सी, इट्स अ विशियस साइकिल कि आप उनको मोटा बोलते हैं तो वो दे स्टार्ट इंटरनलाइजिंग दीज थिंग्स. ठीक है. अच्छा, ये तो ऐसे ही है, ये नहीं बदलने वाला. नॉट जस्ट दैट, वो अपने आप को बोलने चाहते हैं अच्छा आई एम अगली, आई डोंट डिजर्व टू यू नो फील हैप्पी, आई डोंट डिजर्व टू इन्जॉय माई लाइफ. अब वो उससे कॉम्बैट करने के लिए क्या करते हैं, दे स्टार्ट ईटिंग. वो फिर बिंज ईटिंग और उस तरफ से भी चले जाते हैं. एंड दिस यू नो दे स्लिप टूवर्ड्स डिप्रेशन, slip towards anxiety, वो लोगों में आना जाना छोड़ देते हैं, they becomes isolate हो जाते हैं. exactly. उनकी अगर वो हाउस वाइफ हैं, अब मैं ख़वातीन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, yeah. तो ज़ाहिर है उनका घर डिस्टर्ब होगा, वर्किंग वुमेन है तो काम डिस्टर्ब होगा, और अगर से तो ज़ाहिर है उनका भी ऑफिस या वो जो भी काम करें वो डिस्टर्ब होगा. इवन आपकी पर्सनैलिटी भी शैटर समटाइम्स हो जाती है जब इतना ज़्यादा आपको कोई बुली करें. मुझे लेकिन ये बताएं, ये जो आपने इसमें बात की कि अगर कोई किसी को ओबीस कह रहा है या कोई ऐसी बात कर रहा है, उससे आपने डिप्रेशन को भी लिंक किया, आपने एंग्जाइटी को लिंक किया, आपने ज़्यादा खाना शुरू कर देता है, अगर ज़्यादा नहीं भी खा रहा तो सिर्फ एंग्जाइटी डिप्रेशन, क्या इससे भी मज़ीद मोटा होता है वो शख्स? ऑफकोर्स इनके डिप्रेशन वगैरह के डिप्रेशन में भी यू इसमें भी ईटिंग के ज़्यादा भर सकते हैं या ईटिंग हैबिट्स भर जाती हैं. सो डिप्रेशन में डिफरेंट चीज़ें और सिम्टम्स होते हैं, या तो आपकी ईटिंग को ज़्यादा ही भर जाती है, या फिर आप खाना बहुत कम कर देते हैं, स्लीपिंग वगैरह अफेक्ट होती है. सही है. ये तो देखिए, ये तो ऐसा मसला है, इस पर जितनी गुफ्तगू की जाए कम है. मेरा ख्याल है हमें इसके हल की तरफ जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपका बड़ा प्यारा रिश्ता है और आप चाहते हैं कि वो वजन कम करे, आप क्या करें? Okay, so the first thing is to assess the kind of relation you have with them. Okay. ठीक है. So अगर आप थोड़े दूर के रिश्तेदार हैं या आपका it's not that close of a friend, तो बेहतर यही है कि आप अपना like you don't say अपने काम से काम रखें. ठीक है. Secondly, if you're extremely like intimate रिश्ता है कोई, like देखें बहन भाई है, माँ बाप है, बीवी या शोहर, इस तरह इतना intimate रिश्ता है, तो the most important thing is the way you phrase your words. Okay. पॉजिटिविटी लानी है और किसी भी तरीके से उनको शेम नहीं करना. ठीक है. सो द वे यू कैन गो अबाउट इज एंड ऑल्सो लाइक उनको आप हाथ उनके साथ आप मिलें, लाइक यू गिव दम कंपनी. सो आप उनको इस तरह से फेस कर सकते हैं कि चलें आओ लेट्स यू नो लेट्स गो फॉर अ वॉक समटाइम,
स्विमिंग कॉम्पिटिशन करते हैं, यू नो स्टफ लाइक दैट। नहीं तो आप मेरी तरह खैरियत भी पूछ सकते हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है ना कि किसी का थोड़ा सा वजन बढ़ा हुआ है, मेरी जैसा हो गया, चलिए ठीक है, तो मैं उनसे ये कहती हूँ कितनी स्मार्ट हो रही है आप। अच्छा किरण, आपको याद है पॉजिटिविटी आपको याद है, मैंने शाम इदरीस को भी बुलाया था अपने शो में, उनके मे भी आपने वीडियो देखी हो कि वो थी कि आओ बाहर वॉक करने से, तो बेगम आगे से कहती है कि क्या आपने मुझे मोटा कहा है। हालांकि ये कितना अच्छा है तरीका है कि आप बजाए इसके कि आप अपने स्पाउस को ये कहें कि यू आर गेनिंग वेट, आप कहें लेट्स गो फॉर अ वॉक। Exactly, and if, especially if you see them trying, because obviously someone who's overweight, they know that they're overweight. Yes. ठीक है? They don't. उन्हें पता है कि उनका वजन ज़्यादा है. Exactly. And they must be doing so much to reduce that. Exactly. ठीक है? तो what you can do is when you see them trying, you can, you know, उनको आप encourage कर सकते हैं. Oh, you're doing so great. I'm so proud of you. I can see you're doing great. So much. You know, तो ये वो जुमले हैं। Please आप 10-12 जुमले और बताएं। नहीं, so basically point is like I'm sure everybody is yes. you know intelligent enough to come up with these things on their own as well. Point ये है कि आप उनको encourage करें and you recognize what efforts and also not like don't surround them with just उनके सिर्फ weight उनकी जिंदगी नहीं है, ठीक है? There are other things they're doing in their life as well. So when they're working, उनका काम है, उनकी पढ़ाई है, when they achieve things in that, उनको उसमें भी बहुत ज़्यादा encouragement दें, क्योंकि क्या होता है कि जब weight related आप उनको shame कर रहे होते हैं and you tell them कि you know, या आप उनको इतना encourage नहीं कर रहे होते हैं या negative comments दे रहे होते हैं, तो उनका जब सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है ना, सो दे नॉट एबल टू डू व्हाट, तो हमें हम उनमें ना घसीट के उस स्टेट में उनको लेकर जाए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थी, इस मौजू पर बात कर रही थी। क्या वक्त हुआ है क्या? बहुत जबरदस्त टॉपिक है किरण, ये हमने आज इंतखाब किया जुम्मे का, बल्कि कहना चाहिए शोज़ आ रहा है, हमारा वीकेंड होता है और उसमें हम आखिरी टॉपिक जबरदस्त टॉपिक, तो ये आपने लाजमी इसको दोबारा देखना है अपने यूट्यूब पर, हमारे यूट्यूब पर जाकर, फेसबुक पर। आज हम कुछ खास भी करने जा रहे हैं, आज समर टेलीविजन 7 बजे से लेके रात 12 बजे तक खुसूसी ट्रांसमिशन होगी, बराह रास्त होगी और जाहिर है वो कश्मीर की उसमें बात होगी, क्योंकि आज खिताब होने वाला है इमरान खान साहब का, सफीर, और हम देंगे इस सिलसिले में उनका भरपूर साथ। वैसे आज का हमारा और आपका साथ जो था ना इस हफ्ते का, वो खत्म हो गया। मुलाकात होगी नए मेहमानों, नए मौजूदात के साथ, नई एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट वीकेंड, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।